नमस्कार बंधुओं, आज अपना पहला लेक्चर रहेगा जनरल फॉरेस्ट्री पे। जनरल फॉरेस्ट्री में हम देखेंगे कि हमारा जो फॉरेस्ट है और इसका सिस्टम है फॉरेस्ट्री, जो एजुकेशन है। तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका जो टॉप का जो एग्जीक्यूटिव है, मींस जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टॉप पे आ रही है, और उसके सबऑर्डिनेटेड जो ऑफिसेस हैं, बॉडीज हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके साथ साथ फॉरेस्ट जो एजुकेशन है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ या कैसे सिस्टम स्टेबलाइज हुआ, और कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉरेस्ट एजुकेशन और उसके ट्रेनिंग से लिंक है, उन्हें देखेंगे और फॉरेस्ट एक्ट पॉलिसी का एक टाइप से रिव्यू करेंगे। रिव्यू का पर्पज यहाँ पर यही रहेगा, डिटेल नहीं देखना है, लेकिन रिव्यू कौन सा एक्ट किस ईयर में बना है उस पर देखते हुए आगे चलेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री से लिंक है। तो हम पहली पॉइंट पे चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। अगर हम जैसे नॉर्मल ट्रेंड रहता है अपना कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, वैसे ही अगर हम फॉरेस्ट्री की एंशिएंट वाली पार्ट को ध्यान दें तो एंशिएंट इंडिया की हमारी शुरुआत होती है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण में 13 टाइप की फॉरेस्टों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। इन 13 टाइप में अपने लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन इंपोर्टेंट जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो है, एक है नैमी सारण्य। ये नैमी सारण्यम जो है वो है यूपी में, सेंट्रल यूपी का पार्ट है। दूसरा वन है वो है कंटक वन। देखो कंटक मींस कांटा, तो ये कांटा जो है मींस थॉर्न, थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट जो है वो हमें राजस्थान से लिंक होता है, इसलिए हमें राजस्थान पीएससी के लिए इंपोर्टेंट है कौन सा, कंटक वन। और एक थर्ड वन है जिसे हम बोलते हैं कंजर वन। कंजर जो है ये जनरली यूज करते हैं अपन डेंस फॉरेस्ट के लिए। तो डेंस फॉरेस्ट जो हमारे जो एलिफेंट है वो जनरली इसी टाइप के डेंस फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो कंजर वन मीन्स डेंस फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ तीन शब्द हो गए हैं, एक यहाँ पर है नैमी सारण्यम, दूसरा यहाँ पर आपको कंजर वन है, और तीसरा आपके पास है कंटक वन। ये तीनों फॉरेस्ट टर्म को याद रखना है। तो वैदिक एज के आगे चलते हैं हम, तो बुद्धा का पीरियड आता है, बौद्ध भगवान के बाद आगे चलते हैं, तो वहां पर ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट मेन मुद्दा जो अपने लिए डिस्क्रिप्शन का है वो आता है मौर्यन पीरियड, क्योंकि यहाँ पर एक बुक लिखी गई है जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। किसने, कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र में लगभग 24 डिपार्टमेंटों का डिस्क्रिप्शन है और उन्हीं में एक है फॉरेस्ट। इसमें फॉरेस्ट का काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ये बता दिया गया है कि फॉरेस्ट को हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट का हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना है, या फॉरेस्ट को हमें कितने पार्ट में यानी कि कितने टाइप में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि ये बोलता है कि फॉरेस्ट को चार टाइप में डिवाइड होना चाहिए, एक फॉरेस्ट का वो हिस्सा जो राजा के यूज के लिए हो, दूसरा फॉरेस्ट का वो हिस्सा जो राज्य के लिए हो, राज्य मीन्स राजा ही रूल करेगा लेकिन वो उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा, जो रिसोर्सेस होंगे उन्हें राज्य की भलाई के लिए यूज किया जाएगा। थर्ड जो हिस्सा होगा वो है ब्राह्मणों और जो दान देना है, बुद्ध भिक्षु थे, जैन भिक्षु थे, इनको दान देने के लिए। और फोर्थ जो उसका एक हिस्सा है उसको हम पब्लिक यूज के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से जो अर्थशास्त्र है वो फॉरेस्ट को चार हिस्सों में डिवाइड करती है। अब इसमें अर्थशास्त्र में यह भी बोला गया कि आखिर फॉरेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, तो ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए हम फॉरेस्ट गार्ड या आज के टाइम पर हम जिन्हें वनपाल बोलते हैं, ये टर्म वहीं से लिया गया है। तो फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें वनपालों की जरूरत होती है,
और वन पालों की जो टॉप बॉडी जो होगी, जो टॉप अधिकारी होगा, उसको बोलेंगे कुप्या अध्यक्ष। अब यहाँ पर ये जो कुप्या शब्द है, इसका आपको मतलब समझना हो गया। जो फॉरेस्ट का एक छोटा एरिया होता है, जो भी एक यूनिट है मेजरमेंट की, उसको यहाँ मौर्यों के टाइम पर एक शब्द यूज किया जाता था, कूप, 12 माइल बाय 12 माइल, ऐसा कुछ एरिया है। तो कुप्या अध्यक्ष मींस ये जो फॉरेस्ट गार्ड है इनके ऊपर था, और एक कूप का हेड था, मींस एक फॉरेस्ट एरिया का हेड था। तो कुप्या का मतलब होता है फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया, और कुप्या अध्यक्ष मौर्यों के टाइम पे फॉरेस्ट का हेड था, इस बात को आपको याद रखना है। बाद में जब एंशिएंट इंडिया में आगे चलते हैं, तो अपना 5th सेंचुरी के टाइम पर आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ताओं ने सेंट्रल जो इंडिया है, स्पेसिफिकली एमपी, यहाँ पर ब्राह्मणों को डोनेट बहुत किया, और इस टाइप से ये जो सेंट्रल इंडिया में जो सिविलाइजेशन है उसे काफी प्रमोट किया गया। लेकिन जब सिविलाइजेशन प्रमोट करेगी, तो जो डोनेट किया गया वो क्या थी, फॉरेस्ट की जमीन। तो जो फॉरेस्ट की जमीन जो डोनेट की गई, उन्होंने उसे क्लियर की, डिफॉरेस्ट की, और उस पर सोसाइटी स्टेबलाइज हुई। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस टाइम पे फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि अकबर के आने तक इंडिया के टोटल एरिया पे लगभग 85 to 86% एरिया पे फॉरेस्ट था। कब तक? अकबर के आने तक। ये अकबर के टाइम की पीरियड की बात है। तो जो भी डिस्कशन, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ एंशिएंट इंडिया या मिडिवल में, वो एक लिमिटेशन में रहा, वो कभी इतना हायर लेवल पे नहीं गया। इस डिस्ट्रक्शन की है जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस की जो प्लंडरिंग की जो शुरुआत होती है, वो होती है ब्रिटिश से। तो यहाँ पर जो अपना मॉडर्न इंडिया आता है, जो ब्रिटिश की प्लंडरिंग की जो स्टोरी शुरुआत होती है, उस पे चलते हैं। तो पहले हमारा जो अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम प्लांटेशन किसने की, तो आपको मालूम है टीपू सुल्तान है साउथ इंडिया में। तो यूकेलिप्टस जो है, ये कहाँ का नेटिव है? इसका नेटिव कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस को मंगाते हैं, और उसे इसका जो नंदी हिल एरिया है, इसे भी याद रखें, नंदी हिल, मैसूर का जो नंदी हिल एरिया है वहां पर प्लांटेशन कर देते हैं। तो ये प्लांटेशन कब की जाती है? 1790 के आसपास। ऐसा क्यों, या इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम प्लांटेशन किसने की, तो उसमें तीन ऑप्शन जो है वो ब्रिटिश के रहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन या तो नन ऑफ दीज होता है या टीपू सुल्तान होता है। और हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, जो भी स्टार्ट किया, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, तो प्लांटेशन भी इन्हीं ने की होगी। तो इस टाइप से हम टीपू सुल्तान वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, और किसी को भी अगड़म बगड़म करके लगा के आ जाते हैं, और वहां पर अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्लांटेशन किसने की? टीपू सुल्तान ने। अब फॉरेस्ट को कंजर्व करने, या बोले तो फॉरेस्ट पे ब्रिटिश हुकूमत के आधिपत्य को प्रमोट करने के लिए जो पहला काम किया जाता है, वो है कैप्टन वाटसन। तो 1806 में कैप्टन वाटसन को एज ए सी एफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, अपॉइंट किया जाता है। कब? 1806 में। किसमें? मद्रास रीजन। इस टाइम तक इंडिया में तीन प्रोविंस थी, ये तीन जगह ब्रिटिश रूल कर रहे थे। एक था बॉम्बे, एक था मद्रास, और थर्ड था कलकत्ता, मीन्स बंगाल रीजन। तो जो मद्रास गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, मीन्स ब्रिटिश की जो कंपनी रूल था, वो कैप्टन वाटसन को वहां का सीएफ अपॉइंट करती है। लेकिन ये कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैप्टन वाटसन को कहाँ किया? मद्रास रीजन में। तो ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी, तो जस्ट एक टेम्परेरी टाइप की जॉब थी, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं थी इसके लिए। कैप्टन वाटसन के बाद आगे बहुत सारे बीच में इवेंट्स हैं, उनका हमारे लिए कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है।
हमारे लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो है नीलांबर टीक प्लांटेशन। स्टार्टिंग शुरुआत ये होती है कि उस टाइम पे मालाबार रीजन, जो आज का केरला का जो वेस्टर्न घाट वाला है, केरला भी मालाबार में ही आता है। तो मालाबार कोस्ट जो है अपना, जो वेस्टर्न घाट का केरला वाला रीजन है, वहां पर कोनोली जो है उसका कलेक्टर था, इसका मालाबार रीजन का। तो उस टाइम पे टीक का थोड़ा इशू चल रहा था। रीजन ये था कि यूरोप में जो ओक था वो लगभग खत्म हो चुका था, तो उन लोगों ने ओक का एज ए रिप्लेसमेंट टीक को यूज करना शुरू कर दिया था। किसके लिए? शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। तो जो टीक की डिमांड थी वो बहुत हाई थी, लेकिन उसकी जो फुलफिल है, जो सप्लाई है, वो उतनी नहीं थी। तो सप्लाई कहाँ से कर रहे थे? सप्लाई के लिए एक तो इन्होंने अपना म्यांमार जो रीजन है उस पर अटैक करके उसके एरिया पर कब्जा कर रखा था। दूसरा, इंडिया के जो नेचुरल जो फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े टीक के पेड़ लगे हुए थे, जो हजारों सालों से पेड़ लगे हुए थे, उन्हें काटने में लगे थे। लेकिन फिर भी, क्योंकि डीप फॉरेस्ट से उसे एक्सट्रैक्ट करना इतना इकोनॉमिकल नहीं होता, क्योंकि इनके पास उतने ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम नहीं होते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक काम किया जाए, प्लांटेशन वर्क स्टार्ट किया जाए। तो एज ए ट्रायल मान लो कोनोली ने फर्स्ट टाइम नीलाम्बर एरिया में टिक की प्लांटेशन की। यहाँ पर कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं कि इंडिया में फर्स्ट टीक प्लांटेशन कौन सी है, या साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लांटेशन कौन सी है, तो वो अपनी नीलांबर टीक प्लांटेशन पे ही जाती है। रिसेंटली इसे जीआई टैग भी मिला है, इस बात को भी याद रखें, क्वेश्चन में इस पे आ सकता है। बाद में अगले साल जब कोलनोली ने ये प्लांटेशन की, तो उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए अगले साल से एफोरेस्टेशन वर्क जो था वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। इंडिया मीन्स मद्रास वाले रीजन में लगभग स्टार्ट कर दिया गया। तो इस पे भी काफी क्वेश्चन आए कि इंडिया में जो एफोरेस्टेशन वर्क है वो कब स्टार्ट किया गया, तो अपना आंसर जाता है 1843। उसी टाइम पे जो एफोरेस्टेशन वर्क स्टार्ट किया, उसी टाइम पे कैंपवेल, कौन? कैंपवेल, घंटी ले लेना बैल। ये कैंपवेल है, ये यूकेलिप्टस को कहां से फिर से मंगाता है? ऑस्ट्रेलिया से, और मद्रास का जो विलिंगटन एरिया है वहां पर इसका प्लांटेशन कर देता है। जैसा मैंने पहले बोला कि यूकेलिप्टस कैंपवेल ने भले ही लगाया, लेकिन कैंपवेल से पहले, इस घंटी से पहले टीपू सुल्तान प्लांटेशन कर चुके थे, कहां? नंदी हिल्स में। तो कैंपवेल पहला बंदा नहीं है, यह टीपू सुल्तान के लगभग 50 साल से ज्यादा साल बाद यहाँ पर प्लांटेशन कर रहा था। 53 ईयर्स बाद यहाँ प्लांटेशन कर रहा था। अब आपको पता है कि बाद में जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये आ जाती है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। तो उस टाइम पे जो पूरा का पूरा जो कंपनी रूल था उसका सेंटर था वेस्ट बंगाल, मीन्स कोलकाता। तो यहाँ पर एक चिड़ियाघर, जू, उसकी स्थापना की जाती है, स्टेबलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट जू इन इंडिया वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा 1854 के टाइम पे, बना कहाँ? कैलकटा में। क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी का जो सेंटर रहा, बाद में जब यहाँ पर कंपनी के जाने के बाद यहाँ पर क्राउन रूल आ गया, तो क्राउन रूल में भी सेंटर जो रहा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वो कोलकाता ही रहा। तो ये कोलकाता सेंटर रहने की ही रिजल्ट रहेगा कि बाद में जो भी इंस्टीट्यूशन बने वो सब के सब कोलकाता में ही स्टेबलाइज हुए और कहीं और बाहर नहीं गए। अब फर्स्ट जू इन इंडिया कब बना? 1854, मीन्स अभी आपका देश आजाद, वो 1857 की क्रांति नहीं हुई है। फिर आता है 56। 56 का अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डलहौजी के जमाने का टाइम है, लॉर्ड डलहौजी का। वो यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट था 57 का, उससे पहले का, एक साल पहले का, उस टाइम पे यहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है। अब क्योंकि ये जो अनस्टेबिलिटी हमारे यहाँ जो बहुत कुछ हो रही थी, उसका रिजल्ट हमें फॉरेस्ट पे भी पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब फॉरेस्ट पे जो कब्जा ब्रिटिश ने डायरेक्ट कर रखा था,
जो लोकल रूलर थे, जब भी उनका कुछ दिमाग खराब होता था तो वो क्या करते थे, कोई अच्छा जंगल का पेड़ दिखा और उसे काट दिया। इस टाइप से जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो ब्रिटिश के लिए रिसोर्सेज था, उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था और उसे कंटिन्यू रेगुलेट करने की जरूरत थी। तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट जो CF है, रेगुलर मतलब परमानेंटली एक पोस्ट स्टार्ट की। जो CF की पोस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ परमानेंट हुई। तो यहाँ पर जो क्लिग हॉर्न है, जो सींग है हॉर्न, तो क्लिग हॉर्न है, बोल सकते हो कि इसने पेड़ों के आगे सींग लगा दिए कि जो लोग इन पेड़ों को काटने आ रहे हैं वो सींगों से उन्हें भगा देंगे। तो क्लिग हॉर्न ने 1856 में फर्स्ट टाइम क्लिग हॉर्न को यहाँ फर्स्ट CF की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया परमानेंटली। वैसे तो कैप्टन वाटसन ही अपॉइंट कर दिया गया था उससे 50 साल पहले। इस टाइम पे एक और हिस्ट्री हो बात हुई, एक इम्पोर्टेंट बात और हुई, और वो था डेट्रिच ब्रांडिस। ये ब्रांडिस को बाद में इंडियन फॉरेस्ट्री जो डिपार्टमेंट है या इंडियन फॉरेस्ट्री जो सिस्टम स्टार्ट हुआ उसका फाउंडिंग फादर माना जाएगा। लेकिन ये उससे पहले कहाँ पोस्टेड होता है, ये उससे पहले जाता है बर्मा में, क्योंकि इस टाइम पे जो ब्रिटिश है वो बर्मा वाले रीजन में नेचुरल रिसोर्सेस की दर प्लंडरिंग कर रहे थे, लूट रहे थे। तो उसका एक सिटी है पेगू, तो वहां का सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है, मीन्स फॉरेस्ट एरिया है। तो ब्रांडिस के जो इंडियन में इंडिया में आने के बाद जो एक्सपीरियंस रहेंगे, जो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खड़ा करेगा, जिस टाइप से रूल करेगा या सिस्टम डेवलप करेगा, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कहाँ के रहे होंगे, बर्मा के। बर्मा का एक एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ जो अपने आगे बहुत काम आएगा। जब ये बर्मा में था तो वहां इशू ये थे कि जब ये फॉरेस्ट को काट देते थे तो जो ट्राइबल जो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे वो क्या करे, तो एक टाइप से वो इनकी समस्याएं खड़ी कर देते थे, किसकी, ब्रिटिश की। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, समस्या ना बढ़े तो हम जो हिली रीजन है वहां पर क्या करते हैं कि हम प्लांटेशन वर्क कर देंगे। तो प्लांटेशन वर्क में ये जो ट्राइबल है इन्हें काम दे देंगे, ये अपना काम करेंगे, ये वहां पर खेती बाड़ी करेंगे, इनकी भी लाइफ कट जाएगी और हमारे जो प्लांटेशन था, पेड़ थे, वो हमारे पेड़ हो जाएंगे। तो इस टाइप से वहां पर जो प्लांटेशन जो वर्क स्टार्ट किया उन्होंने, डिपार्टमेंटल प्लांटेशन, उसको उन्होंने वहां एक टर्म यूज किया, उसे बोलते हैं तुंगिया। तो तुंगिया बर्मीज टर्म है। तो जब ब्रांडिस बर्मा से इंडिया आएंगे तो ये तुंगिया सिस्टम भी वो अपने साथ लेके आएंगे, वो अपना पूरा नॉलेज लेके आएंगे। लोगों को उन्होंने बर्मा में कैसे रेगुलेट किया उसका यहाँ पर एक सिस्टम लेके आएंगे, वहां पर कैसे डिपार्टमेंट उन्होंने स्टेबलाइज किया उसका एक सिस्टम लेके आएंगे। तो जब इन्हें यहाँ 1864 के बाद अपॉइंट किया जाएगा तब ये पूरा सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जब बाद में ब्रांडिस जब इंडिया में आए तो इन्हें 1864 में इंडिया का फर्स्ट IGF अपॉइंट किया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट IGF अपॉइंट किया गया। अब फर्स्ट IGF अपॉइंट किया गया तो ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी सिस्टम के कर दिया गया। तो हुआ क्या कि नया नया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट का IGF इन्हें अपॉइंट कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अब जो फॉरेस्ट की जो इंडिया में प्लंडरिंग होगी, जो लूट मार होगी, वो एक सिस्टमेटिक लूट मार होगी। और ये सिस्टमेटिक लूट मार किस नाम पे होगी, वो होगी साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे, कि हम अब फॉरेस्ट को साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हैं। अभी तक तो तुम्हारे पास जंगल था, जंगल मीन्स अनमैनेज्ड फॉरेस्ट एरिया। तो अभी तक तुम्हारे पास जंगल था, अब हम उसे फॉरेस्ट कर रहे हैं, अब साइंटिफिकली मैनेज करेंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, इसको चाहिए एक नया नया बहुत अच्छा खासा वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स कैसे आएगा, तो इन्होंने इसके लिए क्या करेंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टार्ट करने से पहले इन्हें चाहिए एक फ्रेमवर्क। ये रहा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और कब शुरू की, 67 में।
लेकिन इस सर्विस से पहले इन्हें एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क चाहिए, पावर चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने 1865 में एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था। कब? 1865 में। तो 64 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है और उसके ब्रांडेस को फर्स्ट आईजीएफ बना दिया जाता है। तो अगले साल ब्रांडेस उन्हें सजेस्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि केवल डिपार्टमेंट तब तक कुछ नहीं कर सकता जब आप डिपार्टमेंट को एक सिस्टमेटिकली एक गाइडलाइन इशू कर दो। वो गाइडलाइन मींस पावर इशू करो, उन्हें एक सिस्टमेटिक पूरा सिस्टम दो, और वो है फॉरेस्ट एक्ट दो आप। जब इन्हें फॉरेस्ट एक्ट दे दिया जाता है तो अब ये इंटरफेयर ना हो, मींस ब्रिटिश जो थे, मींस जो क्राउन रूल था उसमें क्या बहुत सारे इंटरेस्ट थे, हर इंटरेस्ट उसमें इंटरफेयर करता था। तो इस टाइप से जब फॉरेस्ट एक्ट बना तो इसमें जो साउथ साइड की जो इंटरफेरेंस थी वो खत्म हुई। तो इस टाइप से फॉरेस्ट एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्टार्ट हुई। इनके डेट ही आपको याद रखना। इसी दौरान एक और स्पेसिफिक वर्क जो हुआ है वो था चंगा मंगा फ्यूलवुड प्लांटेशन। 66 का जमाना था, उस टाइम पे ये चंगा मंगा फ्यूलवुड प्लांटेशन हो गई। तो इससे पहले आपने पढ़ी थी नीलाम्बर टीक प्लांटेशन, और अब आई है अपनी चंगा मंगा फ्यूलवुड प्लांटेशन। इसके बाद अपने जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, अपना आ जाता है नीलाम्बर टीक प्लांटेशन पे, को लगभग 30 साल होने वाले थे। लेकिन क्योंकि उसका जो प्लांटेशन वर्क जो था उस पर कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमने प्लांटेशन तो कर दी लेकिन अब इसे मैनेज क्या करें, हम बनाना क्या चाहते हैं। तो फिर उसके लिए 71 में एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई एक काम करते हैं, हम अगले 24 साल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और हम उसमें प्रोजेक्ट में ये बताएंगे कि आखिर हम जाना किधर चाहते हैं। मींस ये जो नीलाम्बर में जो टीक प्लांटेशन हमने की थी 30 साल पहले, इस प्लांटेशन को हम क्या बनाना चाहते हैं, किस लेवल पे ग्रो करवाना चाहते हैं। तो एक इसके लिए पूरा पूरा 25 साल का, 24-25 साल का एक खाका बनाया गया जिसे बोला गया वर्किंग प्लान। तो पहला वर्किंग प्लान किसके लिए बनाया गया? नीलाम्बर टीक प्लांटेशन के लिए, जो 95 तक चलेगा। इसी टाइम पे एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो क्या शुरू होता है, दो बंदे होते हैं, एक होता है बीडन पॉवेल, इनके नाम याद रखना है, एक है बीडन पॉवेल और दूसरा होता है डॉक्टर स्लिच। इस स्लिच को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही नाम पूछे गए हैं, और स्लिच को इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रांडिस के बाद जो आईजीएफ है वो स्लिच को ही बनाया जाता है। तो इस टाइम पे फॉरेस्ट्री में देखो, जैसे आज आपके पास है, मार्केट में जाओ, यूपीएससी या स्टेट फॉरेस्ट या किसी से भी बहुत सारी हजारों मैगजीन मिल जाती हैं, पेपर मिल जाते हैं। लेकिन ये 1875 वो जमाना था जब आपके यहाँ फॉरेस्ट्री में कहाँ पर क्या वर्क हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी का सोर्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। तो फॉरेस्ट्री के जो रिलेटेड जो वर्क हो रहे थे, जो एजुकेशनल वर्क हो रहे थे, इनको एक सिस्टमेटिकली जो नॉलेज थी उसको पब्लिश किया जाए, जिससे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पूरे देश में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको मिल सके, जो हायर लेवल की बॉडीज हैं, जो आईएफएस बैठे थे उस टाइम पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, तो जो आईएफएस बैठे थे उनको भी वो करंट लेवल की जो नॉलेज है वो मिल सके। उसके लिए एक मैगजीन पब्लिश करना स्टार्ट की गई जिसे बोला गया इंडियन फॉरेस्टर, जो आज भी पब्लिश होती है। तो फर्स्ट कॉपी जो इंडियन फॉरेस्ट की पब्लिश की गई वो की गई 1875 में। उस टाइम पे शायद है इसकी जो पब्लिशिंग है वो देहरादून से स्टार्ट हुई, क्योंकि देहरादून उस टाइम पे रेजिन टेपरिंग का बहुत बड़ा सेंटर हो रखा था, और क्योंकि मैसूर से जुड़ा होने की वजह से, मैसूरी से जुड़ी होने की वजह से ये काफी फेमस प्लेस हो रखा था। तो इंडियन फॉरेस्टर किसने शुरू की? पॉवेल और स्लिच ने। कब शुरू की? 1875 में। इसके 3 साल बाद इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए, फॉरेस्ट एजुकेशन को और प्रमोट करते हुए, देहरादून में एक स्कूल खोला गया जिसे बोला गया फॉरेस्ट स्कूल।
और यहाँ पर जो बैली है, जो पानी की बोतल आती है बैली, उसी को ले लो। एफ बैली जो है वो इसको फर्स्ट डायरेक्टर बना दिया गया, किसका, स्कूल का, और बोला भाई तुम यहाँ पर जो रेजिन टैपरिंग हो रहा है तो एक्चुअली उसको ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज की जरूरत है। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो बर्बाद रिसोर्सेस बर्बाद बहुत हो रहे थे। इसके साथ साथ हमें क्या करना था, जो नीचे ग्राउंड लेवल के जो वर्कर थे उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करने की जरूरत थी, तो ये फॉरेस्ट स्कूल में उन्हें एक टाइप से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सब नीचे ग्राउंड लेवल पे थे, जिन्हें हम क्लास 3rd क्लास 4th के वर्कर बोल सकते हैं। तो फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून कब स्टेबलाइज किया गया, 78 में। इस टाइम पे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में और पढ़ा होगा कि इस टाइम पे एक इशू हुआ था, वो था साउथ इंडिया में अकाल पड़ जाता है, और 78 के टाइम पर ही लगभग इसी टाइम पर दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो उनके रॉयल आ जाते हैं, तो दिल्ली दरबार लग रहा होता है। तो क्योंकि जो देसी जो राजा थे वो कुछ उनके राजाओं के थोड़े इशू थे, तो राजाओं को एक टाइप से उनको उनकी औकात दिलाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, एक नया एक्ट पास कर दिया जिसे बोला गया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ये एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट का ऐसा मतलब नहीं है कि हम एलिफेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है जंगल के एलिफेंट तो जंगल में है ही, वो तो प्रिजर्व है ही, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक थीम थी वो कहीं ना कहीं जो राजाओं के जो एलिफेंट थे जिस पर वो बैठ के चल रहे थे, अपनी रॉयल्टी शो कर रहे थे, उनको भी उनकी औकात दिलाना था। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या थे वो अपना अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हमें याद रखना है कि एलिफेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो पहला एक्ट आया वो 79 में हुआ। अब थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद अपनी हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो एमसीक्यू में जैसे पहला है एमपीपीएससी का क्वेश्चन है कि फर्स्ट आईजीएफ कौन है, तो नो डाउट फर्स्ट आईजीएफ अपने कौन है, डॉक्टर ब्रांडिस। तो ब्रांडिस के बाद सिलिच को बनाया गया, तो सेकेंड आईजीएफ सिलिच रहते हैं। दूसरा उड़ीसा का क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने बहुत एक लंबी चौड़ी थ्योरी लिख दी है, और थ्योरी का जो सेंस है वो यही है कि भाई ओल्डेस्ट प्लांटेशन कौन सी है, तो वो अपनी टीक प्लांटेशन केरला वाली आ जाती है, कौन सी, नीलाम्बर टीक प्लांटेशन। अपन वापस अपनी थ्योरी पे चलते हैं, तो अपन 79 तक पहुंच चुके थे, अब उसके आगे चलते हैं। तो इस टाइम पे बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज होती है जिसे बोलते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हिस्टोरिकल सोसाइटी, ये हिस्ट्री ना हो गए हिस्टोरिकल है, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी। इसका ये 1883 में स्टेबलाइज हुई, इसको याद रखें। इसका जो लोगो है वो अपना हॉर्नबिल है, ये इसका बहुत वर्क है। आज के टाइम पे जो बर्ड्स रिसर्च है वो पूरी साउथ ईस्ट एशिया में इसका एक डंका बजता है, या ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये वर्ल्ड लेवल की एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसकी इतना बैकग्राउंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है इसके पास, इतना ब्रॉड लेवल का वर्क है कि जहाँ ये खड़ा हो जाता है वहां दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, जो वेस्ट ने 1950-1960 के टाइम पे जिन्हें खड़ा किया है, उनके पैर कांप जाते हैं, इतना बेटर स्ट्रॉन्ग वर्क है इसका। बाद में 83 पे ब्रांडिस रिटायर हो जाते हैं और सिलिच को सेकंड आईजीएफ बना दिया जाता है, ये यहीं पर हो चुका है अपना। आगे चलते हैं तो अपना जमाना आता है 84 का। इस टाइम पे हम जो फॉरेस्ट स्कूल है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं इंफ्रा, और उसको हम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल बना देते हैं। इसका इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्कूल जो बनाया गया था फॉरेस्ट स्कूल वो जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक्शन थी, बाद में जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी उसे लगता है कि इंडिया में फॉरेस्ट को, एजुकेशन को हमें और प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे फॉरेस्ट को जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसमें जो बर्बादी हो रही है उस बर्बादी को कम किया जा सके और फॉरेस्ट को और बेहतर तरीके से लूटा जा सके। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल बन जाता है कब, 84 में। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर
फॉरेस्ट की जो सर्विस है, अभी तक जो हमारे फॉरेस्ट सर्विस, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो 67 में शुरू की गई थी, उसकी ट्रेनिंग जो है वो जनरली बहुत ज्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं होती थी, बस ऐसी है भाई, नए नए है कुछ नहीं, बोला कुछ तो कर ही लेगा, ऐसे ही अपॉइंट कर दिया। बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज दे के और थोड़ा बहुत ये जो फॉरेस्ट स्कूल था इसमें दे रहे थे। इसके बाद यहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ एक तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और दूसरा तुम जो ट्रेनिंग दे रहे हो वो यही इंडिया में अपॉइंट करके उन्हें यही लोकल में ट्रेनिंग देते हो। बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आप ट्रेनिंग देते हो तो यहाँ इंडियंस भी उसमें ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कैसी ट्रेनिंग ले रहा है, मीन्स पढ़ने के टाइम पे कौन निकम्मा है, कौन घटिया है, कौन कैसा है। तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, सामूहिक बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने 85 में जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर थे इनकी ट्रेनिंग इंग्लैंड वापस शिफ्ट कर दी, और वहां पर कूपर हिल में एक कॉलेज स्टेबलाइज किया गया और उसमें इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जो 1835 के बाद ही इधर आएगी। तो कूपर हिल्स में जो इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की वो उनकी वहां होती रही, और ट्रेंड होके वो यहाँ से आते, वहां से यहाँ आ जाते थे। इसके बाद 85 के पहले, जैसे मैंने बोला 75 के आसपास के जो जमाना था, 1875, उस टाइम पे अकाल पड़ चुका था साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में ये जो 19th सेंचुरी है इसमें लगभग 3-4 बड़े अकाल पड़ चुके थे और लाखों लोग मर चुके थे। तो ये समस्या जो थी इसको समझ में नहीं आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसे हैंडल कैसे किया जाए। तो इसके लिए डॉक्टर वोल्कर को, जो जर्मन थे, उन्हें बुलाया गया कि भाई हमसे नहीं संभल पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, हम तो केवल टैक्स लेते हैं, बकाया का तो यहाँ के लोग यहीं के करें, ये फिर भी इनके यहाँ अकाल पड़ जाता है, समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या भाई, तुम आ जाओ यहाँ पर और हमें बता दो कुछ। तो जो वोल्कर हैं वो यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं 90 में, वो यहाँ पर 3-4 साल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लगभग 93 के टाइम पर वो अपनी रिपोर्ट देके चले जाते हैं। उस रिपोर्ट में वोल्कर भाई साहब बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है और जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बहुत लिंक है। तो इन्हें वोल्कर अपॉइंट किया था इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए नहीं। लेकिन वोल्कर भाई साहब बोलते हैं कि एक्चुअली तुम्हारे जो इंडियन एग्रीकल्चर जो है, जो तुम्हारे इशू है, वो एग्रीकल्चर से लिंक नहीं है, वो लिंक है तुम्हारी फॉरेस्ट से। क्योंकि ये एग्रीकल्चर है, इसको जो पानी चाहिए, जो रेन वाटर, जो मींस इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए, किसके थ्रू, जो रिवर वगैरह के थ्रू ले रहे हैं, ये वाटर कहाँ से आता था, ये आता था फॉरेस्ट से। इनको जो फर्टाइल सॉइल चाहिए था, तो जो सिल्ट था वो कहाँ से आता था, फॉरेस्ट से। ये पूरा जो इकोसिस्टम था वो इकोसिस्टम किससे मेंटेन था, वो था फॉरेस्ट से। और आपने फॉरेस्ट की जो माँ किया की है वो एग्रीकल्चर को बर्बाद कर रही है। तो वोल्कर की इस रिपोर्ट के बेस पे 84, इनकी रिपोर्ट के बाद 1894 में फर्स्ट टाइम इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है। ये इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी, कब बनी, 1894 में, इसको याद रखा जाए। बाद में इसी चीज को और प्रमोट करते हुए इन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी के बाद और प्रमोट करते हुए उसे विधान थंगल जो साउथ में है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी तक नेशनल पार्क का कोई ऊहा धुआं नहीं है, तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विधान थंगल जो है वो 98 में बनाई जाती है, 1898 में। इस टाइम पे जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो रही होती है, वर्ल्ड लेवल पे एक एक्ट और हुआ इम्पोर्टेंट इवेंट, वो था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, उसकी स्थापना हो जाती है। ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस क्या करेगा, इसका रोल क्या प्ले होगा, ये अपन आगे देखेंगे। अपन यहाँ आगे चलते हैं तो वो आता है कि जो अपना इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था, कांग्रेस बनने के बाद हमारा पहले से ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत रहा है फॉरेस्ट पे, ब्रिटिश का ही लगभग 50-60 साल का हो चुका था, तो ये उसको और प्रमोट करने के लिए जो फॉरेस्ट स्कूल है उसे और इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसका इंफ्रा बढ़ा देते हैं, और जो आज की बिल्डिंग है वो उसी टाइम पे बनाते हैं, मीन्स उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या फाउंडेशन शुरू करते हैं, और उसका नाम बदल देते हैं, उसे बोलते हैं इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आज के टाइम पे हम FRI बोलते हैं।
और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम एक सीसीएफ जो रूथर भाई साहब थे, इनको अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट सीसीएफ। तो 1906 तक चल चुके हैं, अब अपन थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 वाज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय, तो अभी जैसे बोला वोलकर भाई साहब बोल के गए थे उसके बेस पे इन्होंने बना ली। दूसरा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, उसका हेडक्वार्टर क्या है? तो नाम ही बॉम्बे है तो कहाँ है? मुंबई। कब बनी? डेट याद रखना जरूरी है, तो वो बनी है 1883 में। अब वापस चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे। यहाँ पर आता है 1914 का जमाना, जब आता है वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत हो जाती है। तो इंडियंस का क्या है? जब फॉरेस्ट पे हमारे राइट ही नहीं है, तब भी मौका मिलेगा हम फॉरेस्ट को उड़ा देंगे। तो 1914 में ये फॉरेस्ट के जो लॉस हो रहे थे उसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट या बोर्ड बनाया जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, उसको सेटअप कर दी गई। कब? 1914 में। अब जो पुराना एक्ट था, जो अपना 65 का एक्ट था, 1865 का जो एक्ट था, वो काफी पुराना हो चुका था, उसे लगभग 70 साल हो चुके थे। हमें एक नए एक्ट की जरूरत थी क्योंकि अब कंडीशन बहुत कुछ चेंज हो चुकी थी। मिंटो मॉले रिफॉर्म आ चुका था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आ चुका था, तो अब हमें काफी चेंजेबिलिटी की जरूरत थी। तो इसीलिए, और जमाना भी चेंज हो चुका था ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हो चुका था और बिल्कुल नई कंडीशन आ चुकी थी वर्ल्ड वार वन के बाद। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमें एक नए फॉरेस्ट एक्ट की जरूरत थी। तो इसलिए हम 1927 में एक पहले पहले एक्ट से भी बहुत सिस्टमेटिकली एक एक्ट लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और ये 1927 से आज तक यही चल रहा है, लगभग इसे 93 इयर्स हो चुके हैं और आज भी हमारा जो बेसिक है वो इसी से गवर्न होता है। एक बात और कि ये जो 65 में एक्ट आया था, बाद में ये 78 में और एक एक्ट आया था 1878 में, और इसके बाद ये 1927 का आया, तो एक्चुअली ये थर्ड टाइम का था। ये केवल याद इसलिए रखना कि कभी कभी किस्मत फूटी हो तो क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ऑप्शन में ये भी मिल जाता है 1878। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जब 27 में बना, उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट उसके बाद और हुआ, वो था जिम कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट जो इंडिया में आए थे फॉरेस्ट से ही थे, और ये एक बड़ा क्या थे वो तो मायने नहीं रखता है, लेकिन मुद्दा ये था कि इंडिया में बहुत फेमस फॉरेस्ट हंटर, मीन्स हंटर थे, इसके टाइगर शिकारी बहुत बड़े थे। जब ये शिकार करते थे तो इन्हें हद से ज्यादा इन्हें टाइगर को मारा, जब ज्यादा मार दिया तो इन्हें धीरे धीरे करके जब टाइगर कम मिलने लगे फॉरेस्ट में, और इन्हें ये लगने लगा कि ये जो फॉरेस्ट में जहाँ पहले बहुत सारे टाइगर मिल जाते थे, एक तो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई, दूसरा जहाँ पहले अच्छा डेंस अच्छा खासा जो फॉरेस्ट था वो फॉरेस्ट भी आजकल लुटा पटा सा लग रहा है, मीन्स जैसे लोग पेड़ काट के चले गए, ग्रासेस जो थी वो बर्बाद हो रही है, मीन्स वहां का जो इकोसिस्टम था, चाहे ग्रास लैंड का हो या पेड़ों का हो, वो उजड़ रहा है। तो इन्हें तब समझ में आया कि एक्चुअल में जो टाइगर जो थे वो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के टॉप पे कंज्यूमर थे, टॉप कंज्यूमर थे, और ये जो इकोसिस्टम की जो की है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो एक्चुअल में टाइगर ही कर रहा है। तो हमने जब टॉप कंज्यूमर को रिमूव कर दिया, किल कर दिया बहुत दर तरीके से, तो ये पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया, और इसका रिजल्ट ये हो रहा कि ये जो फॉरेस्ट था हमारा ये बुरी तरह से बर्बाद हो गया, अपने आप बर्बाद हो गया, क्योंकि जो बका की फूड चेन जो मिसमैनेज हुई उसने उसे तबाह कर दिया। तो ये जो कॉर्बेट ही था, जिम कॉर्बेट, इन्हीं ने इसकी एक पहल शुरू कर दी कि नहीं, हम टाइगर को अब किलिंग नहीं, उसको बचाने का जो काम का शुरू कर दिया वो जिम कॉर्बेट ने, अब बचाने के पीछे पड़ गया। तो इन्होंने उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी उसको प्रमोट किया, समर्थन लिया, तो इस टाइप से एक 1836 में फर्स्ट नेशनल पार्क बना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे 40 साल पहले ही बन चुका है, विलवेदार साउथ इंडिया में। तो फर्स्ट नेशनल पार्क बना हेली, बाद में इसका नाम कन्वर्ट करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया।
57 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, 1957 में। देश की आजादी के बाद ये कॉर्बेट को सम्मान देने के लिए हमने इसका नाम उनके नाम पर रख दिया गया था। तो 36 के बाद बीच में बहुत सारे इवेंट आते हैं जो अननेसेसरी है। मेन मुद्दा अपना आता है जब हमारे देश आजाद हो जाता है और ब्रिटिश यहाँ से विड्रॉ होने लगते हैं। तो इस टाइम पे एक बात और है कि आपको मालूम है कि 1935 में जो एक्ट था उसमें जो फॉरेस्ट है उसे स्टेट सब्जेक्ट से शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेट लिस्ट, सॉरी फॉरेस्ट जो है उसे सेंट्रल लिस्ट से शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टों का बंटवारा हो जाता है। तो अब चूंकि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट थे कब से, 1935 के एक्ट से, तो जब देश आजाद हुआ तो फॉरेस्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हो गया, बहुत सारे स्टेट और उनके पास छोटे छोटे पीस में फॉरेस्ट, सबकी अपनी अलग ही नवाबी रोल चल रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो अब इंडिया में फॉरेस्ट का इतिहास क्या होगा, फॉरेस्ट कैसे मैनेज होंगे, कैसे कंट्रोल होंगे जब तक कोई नया सिस्टम स्टेबलाइज नहीं हो जाता है, तो इसके लिए सेंट्रल लेवल पे जल्द मींस तुरंत फुरत में एक बॉडी स्टेबलाइज की गई जिसे बोला गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री कब स्टेबलाइज किया गया, 48 में, इस पर भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 49 में जो IGF था उसे जब अपॉइंट मींस जब वहां का जो IGF था जब वो रिटायर हुआ, जो ब्रिटिश था जब वो रिटायर हुआ, तो वहां पर MD चतुर्वेदी को फर्स्ट IGF अपॉइंट किया गया। ये भी कई बार पूछा गया है कौन MD चतुर्वेदी। अब बात अगर 1950 की आती है, उसके अगले साल आती है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1950 में इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना था। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया में 10% था, तो 10% था या 15% था ये कहना गलत नहीं है। रीजन ये है कि उस टाइम पे जो फॉरेस्ट था वो बहुत अभी भी रॉयल्टी थी, राजाशाही थी, तो बहुत ज्यादातर जो एरिया थे वो राजाओं के कब्जे में थे, मीन्स राजाओं के अंडर थे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास वो एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया थे ही नहीं। उस टाइम पे जो एक्चुअल में फॉरेस्ट एरिया थे वो 10-15% के समथिंग ही थे। बाद में अब क्योंकि इतना कम परसेंट है, तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, क्योंकि जैसे उस टाइम पे जो फॉरेस्ट है वो मिनिस्ट्री नहीं थी, ये एक डिपार्टमेंट था। अभी तक फॉरेस्ट एक डिपार्टमेंट था, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक विंग थी, डिपार्टमेंटल विंग थी। तो एग्रीकल्चर उस टाइम पे मिनिस्टर थे K.M. मुंशी, ये फर्स्ट वो उसी टाइप की कैबिनेट का चल रहा है, अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो K.M. मुंशी जो इंटरिम गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर जो थे, उन्होंने क्या कि भाई हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो है वो पहले ही लूटपाट कर दिए गए हैं, नए फॉरेस्ट प्लांटेशन की हमें बहुत जरूरत है, और नए फॉरेस्ट या नई प्लांटेशन हमारे कहाँ की जाए। तो उन्होंने एक फेस्टिवल शुरू किया, इसे बोला गया वन महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। जो वन महोत्सव की शुरुआत है वो की गई 1950 में, ये ईयर याद रखे, 52 या 54 नहीं है। तो K.M. मुंशी इन्होंने वन महोत्सव की स्थापना या वन महोत्सव का उद्घाटन किया उस टाइम पे, और ये लगभग उसके बाद हर साल जब मानसून आता है जून में, मिड जून पे आता है, तो जुलाई के जो फर्स्ट वीक होते हैं उसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। आगे 52 में, क्योंकि अब हमारी जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, 1894 में। उसके बाद अब देश आजाद हो चुका है और लगभग 60 साल हो चुके हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो खत्म हो चुकी, मीन्स इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल चेंज हो चुकी है। दूसरा, जो पॉलिसी के जो एम थे वो चेंज हो चुके हैं। पहले जहाँ ब्रिटिश का जो सेंस था पॉलिसी का वो था कि कैसे फॉरेस्ट को लूटा जाए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया उन्हें प्रोटेक्ट करने का। तो अब हमारी एक जो पॉलिसी बनी इसे हम बोलते हैं सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी, लेकिन अगर कहीं नेशनल लिखा है तो ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल में फर्स्ट है और बेसिकली ये सेकेंड है। यही फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसने ये बेसिक
पिलर खड़ा किया है कि हमें इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 एरिया में फॉरेस्ट कवर होना आवश्यक है। इसी 1952 में वाइल्ड लाइफ के लिए, देखो फॉरेस्ट्री के लिए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बन चुकी थी 48 में, लेकिन अभी वाइल्ड लाइफ पे काम नहीं किया गया था, तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 52 में बनाया गया। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब? 1952 में। और 57 में जिम कॉर्बेट ने कर ही दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जैसे पहला आया इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब बना, तो 52 में मैंने अभी बताया। फिर वन महोत्सव का क्वेश्चन है कब कब आया, तो अपना आंसर क्या आएगा? 1950। इसके साथ के एम मुंशी भी पूछा गया कि भाई ये 50 में स्टार्ट करने वाले कौन है, और ये जो के एम मुंशी है और वन महोत्सव है कम से कम 20 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है, तो ये चलता रहता है। इसके बाद अपन वापस अपनी लिस्ट पे वापस पहुंचते हैं, तो शुरुआत होती है इस टाइम पे, अभी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। फॉरेस्ट के साथ एक बहुत बड़ा जो इशू था जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, वो था फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की बर्बादी की। इशू क्या था कि एक जो पेड़ है जब हम जंगल से उसे काटते हैं और जब मार्केट तक पहुंचता है, तो लगभग उसमें 35 से 40% जो वुड है वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। कुछ कटाई के टाइम पे लॉस हो जाती है, कुछ काटने में वहीं पे छूट जाती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लॉस होती है। तो ये देश की उस टाइम पे माली हालत पहले से सही नहीं थी, और इस टाइप की जो बर्बाद हो रहा है रिसोर्स को, उसको कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रमोट किया कि बटोट, जम्मू कश्मीर का बटोट एक छोटा सा एरिया है, वहां पर लॉगिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। लॉगिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करेगी कि पेड़ को जो काटने के टाइम पे जो बर्बादी हो रही है जो लगभग 20-22% के समथिंग है, उस बर्बादी को कैसे कम किया जाए और लोगों को कैसे ट्रेंड किया जाए जिससे कि वो काटते समय सावधानियां रखें, क्या क्या सावधानियां रखें जिससे ये बर्बादी कम हो। इसके बाद 1960 का जमाना आता है जब एनिमल राइट के स्टार्ट हो जाते हैं, कि एनिमल भी जो है हम लोगों में एक हैबिट आ चुकी है, पिछले लंबे टाइम से हमने जो नई वैल्यूज सीखे हैं उसमें हमने एनिमल को कुछ समझा ही नहीं है। हम उन्हें कुछ भी कैसे भी पालते हैं, कहीं भी अनह्यूमन तो छोड़ ही दो, अन एनिमल टाइप की कंडीशन है, मीन्स ऐसी कंडीशन जहाँ जानवर भी खड़ा ना रहे वहां पर उन्हें भेड़ बकरी की तरह उस मीन्स रखते हैं। तो इस टाइप की जो घटिया कंडीशन में हम एनिमल रखते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने एनिमल क्रुएल्टी एक्ट लेके आया। खासकर इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? सर्कस वालों पे, जहाँ वो सर्कस में एनिमल्स को ट्रेनिंग देके वो यूज कर रहे थे। तो ये जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है कब आया? 60 में। इसके बाद जो 60 के बाद आएगा 65, और 65 के जमाने में तीन इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं। एक तो 1965 में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो रही होती है, दूसरा उसी टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे ये जो फॉरेस्ट है उसका इशू बढ़ रहा था धीरे धीरे, कि वर्ल्ड लेवल पे फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट हो रहा है, उनको ध्यान रखना है कि किस इंडिया में किस कंट्री में कितना फॉरेस्ट है। तो इसके लिए एफएओ क्या करता है कि एफएओ रॉ इटली में है और वो लगभग हर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ सेंटर स्थापना कर रहा था, जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव था कि उस कंट्री में फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर कितना है, उसका डाटा कलेक्ट किया जा सके और उसे ग्लोबल लेवल पे एक सिस्टम खड़ा किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के पिसफर के नाम से, उस टाइम पे जो भी था सब कुछ देहरादून एफआरआई में था या उसी के आसपास था, तो उसी के साथ मिलकर के पिसफर के नाम से एक सेंटर खड़ा कर देते हैं वहां, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। तो कब शुरू किया गया इसे? 1865 में। उसके अगले साल एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो एग्रीकल्चर में उसी टाइम पे सीड एक्ट आता है। तो ये जो सीड एक्ट है ये आईसीआर वालों को ज्यादा याद रखना है। इसके साथ साथ एक और था, वो था बेस्टॉपी। वेस्टोबी भाई साहब ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उस टाइम पे। इनका एक्चुअल में रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ था वो था 67 में।
जो 67 में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ उसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया था, वो था सोशल फॉरेस्ट्री। अब ये जो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है, क्योंकि इन्हें पहली बार इस शब्द का एक नया शब्द फुंतरू दे दिया और बाद में लोग इसी शब्द की फिर माला भाई फिरेंगे, तो जब माला फिरेंगे ये पॉपुलर हो जाएगा, तो फिर हमें याद रखना पड़ता है कि सोशल फॉरेस्ट्री टर्म किसने दिया, तो वो दिया वेस्टोबी ने। तो एक्चुअल में तो इनका 67 में आया मीन्स टर्म, उस टाइम पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसमें ये था, लेकिन 76 में एक कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस, उसमें ये फाइनली उसमें ये बड़े चढ़ के उसे ये टर्म का ना डीगा वहां मार के आते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि पूरे वर्ल्ड पे पॉपुलर हो जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो अब यहाँ पर हमें दो बातें देख लेनी है, पहला तो जैसे मैंने बोला FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? रोम इटली में है, रोम इटली है। FAO एक मैगजीन पब्लिश करता है, इस मैगजीन का नाम है अनसिल्वा। देखो जो सिल्वा टर्म है वो जुड़ा है सिल्वी कल्चर मीन्स फॉरेस्ट्री से, सिल्वा मीन्स सिल्वी कल्चर मीन्स फॉरेस्ट्री, और अनसिल्वा मतलब अन मतलब हटा देना, मतलब डिफोरेस्टेशन, मतलब एक टाइप से ये डिफोरेस्टेशन टाइप का टर्म शो कर रहा है अनसिल्वा। ये जो FAO है इसी की छत्र छाया में वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस होना स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि इसी की छत्र छाया में हुई थी तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी 1926 के जमाने में, वो भी कहाँ? रोम इटली में, इसी के हेडक्वार्टर। बाद में लगभग ये हर 6 साल बाद एवरी 6th ईयर ये इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है। तो 54 के जमाने में ये देहरादून में अपने यहाँ जो इसकी 4th कॉन्फ्रेंस है वो देहरादून में हुई थी। 2004 में 14 में जो इसकी ये जो 14th नंबर की जो कॉन्फ्रेंस है वो 2015 में साउथ अफ्रीका में हुई थी, और अगली जो है वो 21 में 6 साल बाद 21 में साउथ कोरिया में होने वाली है। तो ICAR वगैरह वाले जो दे रहे हैं वो इनको याद रखें, क्योंकि राजस्थान PSC में जो फॉरेस्ट इस जो MCQ वाला पेपर जो सेट कर रहे होंगे उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होगा, तो उम्मीद है वो लोग इसके आसपास भी नहीं भटकेंगे, लेकिन ICAR वाले बिल्कुल भटक सकते हैं। इसके बाद 66 के बाद आता है अपना 68। इस टाइम पे दो लंगूटिया यार होते हैं, एक होता है चैंपियन और दूसरा सेठ। पहले ये दोनों अलग अलग फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं, बाद में दोनों मिल करके एक सिस्टमेटिक इंडिया में फॉरेस्ट को क्लासिफाई करके बता के जाते हैं कि इंडिया में बड़े लेवल पे बोला जाए तो इंडिया में 16 टाइप की फॉरेस्ट हैं जिन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे पहले जो सिस्टम था वो अपनी अपनी खेती राग अलाप रहे थे, कोई 5 टाइप का बोलता था, कोई 25 टाइप का बोलता था, ऐसा चल रहा था। तो चैंपियन से थे जिनने एक टाइप से ये पुराने जो विवाद थे फॉरेस्ट टाइप के वो खत्म करते हुए एक बहुत अच्छी तरह से एक सिस्टम लेके आया और एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया जो आज तक चल रहा है। इस पे छोटा सा एक MCQ वाला इशू देख लेते हैं, तो वो टर्म है फॉरेस्ट जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है वो फर्स्ट यूज किस ईयर में हुआ है? तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये कब हुआ है, ये हुआ है 67 में। अब सपोज एग्जामिनर है जिसने ये टर्म दिया ही नहीं है, इसके बाद मैंने आपसे ये भी बोला था कि 76 के टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड जो एग्रो फॉरेस्ट्री सॉरी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस है जो कंटिन्यू हो रही थी, यही कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इन्होंने वेस्टी ने एक टर्म बोल दिया था। तो ये 76 के टाइम पे है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में जो 76 है ये उसके आसपास है, तो इसी को लगा देना। ये कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जब कोई आपके गले में उंगली डाल के मुंह में उंगली डाल करके बार बार पूछे कि भाई आंसर दो आंसर दो, तो क्या दोगे? तो जो अपने आंसर के आसपास का जो है उसे आप लगा देते हैं। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट जो है जो ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारी बुक में ये लिखा है कि जो वेस्टोबी ने जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म यूज किया है वो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी इंडिया में, ठीक है,
कब? 66 में। तो मैं ये बता दूं कि ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है वो तो 66 में इंडिया में नहीं हुई, जबकि वो मैड्रिड स्पेन में हुई थी। इंडिया में केवल एक ही हुई है, वो 54 में देहरादून में। इसके बाद इंडिया में अभी तक कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, रॉन्ग लिखा हुआ है। ये अपनी जो केटी पर्तिभा है उसमें भी यही लिखा हुआ है, गलत लिख रखा उसमें। अब आगे अपने चलते हैं, अपनी ऑब्जेक्ट और देख लेते हैं, जिसमें था वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस कहाँ पर हेल्ड हुई, जो फर्स्ट 26 में हुई थी वो कहाँ हुई है। तो सीधी सी बात है, एफएओ ने करवाई थी, तो कहाँ होगी? रोम, इटली में। इसके बाद यहाँ पर एक और बात होती है कि जो इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश बाय एफएओ ऑफ यूएन, बोला एफएओ जो है वो इंटरनेशनल एक जर्नल पब्लिश करता है, उस जर्नल का नाम क्या है? तो ये बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है, अन सिल्वा। सिल्वा मीन्स फॉरेस्ट्री, अन मीन्स डिलीट करना या हटाना, तो ये मीन्स फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन, एक टाइप से इसका सेंस जाता है डिफोरेस्टेशन। एक क्वेश्चन और आ जाता है, महाराष्ट्र ICF का है, 2014 का। टू स्टेटमेंट दे रखे हैं कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ? नैरोबी केन्या में। ये अपना अभी इशू नहीं है, ये जब होगी तब देखा जाएगा, इसका अपने लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पर देखना ये है कि जो 14th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है वो बोला 15 में हुई है, सितंबर में, कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपको याद है कि 15 ये साउथ साउथ अफ्रीका में हुई, और अगली साउथ कोरिया में होने वाली है। तो ये सेंटेंस अपना गलत हो गया, ठीक है? या केवल एक सेंटेंस है, पहले के हिसाब से बाद में क्वेश्चन लगाया जाएगा। यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट था वो खत्म हो गया, अब अगली टेबल की तरफ फिर जाते हैं। अब आता है 1970 का जमाना, जहाँ इंडिया का गुजरात ऐसा पहला स्टेट होता है जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम स्टार्ट करता है। तो देखो, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जब गुजरात स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि बेस्ट ऑफ भी पहले ही टर्म बोल चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ भी ने ये टर्म कब बोला था? 67 के टाइम पे, जब रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसमें यूज कर दिया था। तो जो 76 वाला जो अभी क्वेश्चन देखा था, 76 जो बोल रहा था, वो क्वेश्चन तो बेसिकली वैसे ही गलत है, लेकिन क्योंकि पीएससी वालों से कोई बोल तो सकता नहीं है, जो दे दिया भाई दे दिया। दूसरा, 70 के टाइम पे वो जमाना था जब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी काम करना शुरुआत हो गई है। इसमें पहला प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट हंगोल, इसी सीरीज में। जम्मू कश्मीर है, वहां पर हंगुल जो है, कश्मीरी स्टैग है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत की गई। अगले ही साल जब समझ में आया कि वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ जो है उसे, देखो वाइल्ड लाइफ जो है अभी तक स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्योंकि स्टेट के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है उनको कंट्रोल कर सके, तो सभी स्टेटों ने सेंटर से निवेदन किया था कि भाई हमसे नहीं हो सकता है, तुम कोई एक्ट बना के दे दो। तो 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो एक टाइप से एक नया माइलस्टोन मिल गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। और उसी साल हमने गिर वाले रीजन में जो लायन प्रोजेक्ट है, गिर के गुजरात रीजन में, तो हमने यहाँ लायन प्रोजेक्ट की स्थापना कर दी या स्टार्ट कर दिया, और हंगुल उससे पहले हो गया था, फिर 2 साल बाद लायन प्रोजेक्ट आ गया वाइल्ड लाइफ एक्ट के साथ। अगले ही साल 73 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे इसे टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। उसी टाइम पर उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट चल रहा होता है, जिसकी स्टार्ट कर रखी होती है 3 लोग, जिसमें एक होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरे होते हैं चंडी प्रसाद भट्ट, और तीसरी एक लेडीज होती है, वो होती है गौरा देवी। तो ये 3 लोग वहां चिपको मूवमेंट पर काम कर रहे थे, और इधर पूरे नेशनल लेवल पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा था। 73 में ही यूनेस्को, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट करता है। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इंडिया में तो 84 में पहुंचेगा, लेकिन अभी 73 के टाइम पे जो स्टार्टिंग की फेज में होता है, उसका पर्पज ये होता है कि कैसे जो मैन एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचा रहा है वो एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे मैन एनवायरनमेंट को यूज करके अपने आप को भी प्रोग्रेस करे और एनवायरनमेंट को भी लॉस ना हो।
तो जो आज के टाइम के जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो इसी की एक बाद का रिजल्ट है। इसके बाद 75 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, वो आता है क्रोकोडाइल के लिए। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ये शुरुआत की जाती है इसके प्रोजेक्ट की। ये अब क्रोकोडाइल इंडिया में कहाँ हो रहे हैं, एक तो है चंबल वाला रीजन है और दूसरा है आंध्रा वाला जो रीजन है, आंध्रा उड़ीसा का रीजन है, तो वहां पर जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो उसमें रहेंगे। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। इसके बाद 76 का टाइम आता है जब इंदिरा गांधी जी ने एक अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट क्या किया था, 7th शेड्यूल पे पड़ा था, ये जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था 76 का, उसके अंडर क्या किया कि फॉरेस्ट जो अभी तक कंकरेंट लिस्ट में थे, वाइल्ड लाइफ जो अभी तक कंकरेंट, वो सॉरी गलत बोल गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो अभी तक स्टेट सब्जेक्ट थे उनको उठा करके कंकरेंट लिस्ट में पटक दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्हें एक बार समझ में आ गया था, क्योंकि ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट है जिस टाइप से चल रही है उस हिसाब से तो अगले 20-25 साल में ना देश में कोई जंगल बचेगा ना कोई फॉरेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे। एम ये चल रहे थे कि फॉरेस्ट को काट के वहां प्लांटेशन वर्क किया जाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और जमीन पर खेती बाड़ी करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो इस टाइप के जो नीचे लोकल लेवल पे जो करप्शन चल रहे थे उनको उनको बचाने के लिए उनसे फॉरेस्ट को ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और इसमें क्या कर दिया गया कि अब आपको जो भी करना है वो सेंटर से परमिशन लेके ही करना पड़ेगी। इस टाइम पे एक बात और हुई कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जिससे पहले बनी थी, उसने 70 के जमाने में बनी थी, उसने 76 में अपनी रिपोर्ट दे दी। जैसे वॉलकर रिपोर्ट थी वैसी ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर थी। ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बताता है कि आपने कंकरेंट लिस्ट में तो भले ही डाल दिया, लेकिन जैसे देश की हालत चल रही है, माली हालत जैसी चल रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा है तो फॉरेस्ट को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि स्टेट के जो पॉलिटिशियन है, जो लोकल गुंडे लोग मान लो, कुछ भी मान लो, ये लोग जिस टाइप से जंगल को तूप रहे हैं, जिस टाइप से उसको नोच रहे हैं, ये अगले 20 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तो बोला फिर क्या करना चाहिए, तो बोला एक काम करो, एक एक्ट लेके आओ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2 पेज का है, वो इसी की वजह से आया, जिसमें किया तो कुछ नहीं किया, सब तो 27 के चल रहा, बस इनने एक ही काम किया कि अब कहीं भी इस टाइप का फॉरेस्ट का जो कन्वर्जन होता है उसके लिए सेंटर से परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है। इसके साथ जो 75 में जो क्रोकोडाइल का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चला था उसके लिए हमने क्रोकोडाइल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की कहा हैदराबाद में स्थापना कर दी, जिसमें स्पेसिफिकली जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उन पर काफी अच्छा काम किया है। इंडिया में अगर सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 79 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। देखो गुजरात पहला स्टेट था जिसने 70 के जमाने में ही सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम शुरू कर दिया था, लेकिन नेशनल लेवल पे आते आते उसे लगभग 9 साल 10 साल लग गए। तो 79 में सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम नेशनल लेवल पे चालू हुआ। अब अपना 82 का जमाना आता है जिसमें इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे फिर पावर में आ जाती हैं, जनता गवर्नमेंट 80 के टाइम पे कोलैप्स हो जाती है, और 82 में इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि 3 फॉरेस्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने, देखो इंदिरा गांधी जी ने एक तो 1980 में फॉरेस्ट एक्ट लेके आई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके बाद इन्होंने क्या किया 3 इंस्टीट्यूशन खड़े किए। पहला तो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कहाँ पर है, भोपाल में, इसका याद रखो कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है और कब बना, 82 में। दूसरा वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो फॉरेस्ट को ये मैनेज करने में हेल्प करेगा, वाइल्ड लाइफ को ये हेल्प करेगा। आज के टाइम पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये WII ही करता है, उसकी एक टाइप से नोडल एजेंसी बन रखी है। तीसरा जो पिसफर जो था हमारा 65 में जो हमने पिसफर खड़ा किया गया था उसको कन्वर्ट करके बना दिया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस टाइप से 82 में 3 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई, एक भोपाल में और 2 देहरादून में। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक इशू और आया, वो था वाइल्ड लाइफ का। जब हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बन चुका था तो वो खाली काम करना शुरू कर देगा, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ को आगे
फ्यूचर क्या हो, हमें किस रास्ते पे जाना है हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि देखो पेड़ों के लिए तो हमें पता है, वहां पर हम वर्किंग प्लान शुरू कर चुके थे। हम वर्किंग प्लान को लगता है अभी तक 90 साल हो चुके हैं, सॉरी 120 साल के आसपास हो चुके हैं उस पर काम करते करते, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो बोला इसका क्या किया जाए, बोला इसके लिए क्या किया जाए कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया जाए जो 15 साल का हो। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया कब, 83 में, जो 15 साल के लिए है। इसके बाद हम हर 15 साल के बाद बनाते चले आ रहे हैं, और अभी जो करंट में था वो 17 से 31 के लिए थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। कौन सा, 17 से 31 के लिए। तो आपको इसका डेट भी याद रखना है और अपना थर्ड नंबर का ये भी आपको याद रखना है। अब आता है 85 का जमाना। आपको पता है कि 84 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है और उस टाइम पे भोपाल गैस ट्रेजिडी हो जाती है। भोपाल गैस ट्रेजिडी होती है 2-3 दिसंबर की रात को, कब, 84 में, 1984 में। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं थी, ये एक डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हो जाती है तो एनवायरनमेंट का वर्क इतना ओवरलोड बढ़ जाता है कि ये वहां से डिपार्टमेंट हटा करके एक सेपरेट, 85 में एक सेपरेट मिनिस्ट्री खड़ी कर देते हैं इन द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अब जब मिनिस्ट्री खड़ी कर देते हैं तो मिनिस्ट्री कुछ काम करेगी, तो वो क्या करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से लिंक थी तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, तो जो फॉरेस्ट्री का जो एजुकेशन है वो इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्योंकि और कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, क्योंकि फॉरेस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर से लिंक रहा है, तो इंडियन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थे उन्हीं के अंदर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना करके, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बना के बीएससी फॉरेस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर दिया था। अब जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को ने जो चलाया था 72 के टाइम पर, वो 86 तक आते आते काफी एक्सपीरियंस हो चुका था और वो अब बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से एक ग्लोबल लेवल पे एक नेटवर्क शुरू कर चुके थे। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के थ्रू हमने इंडिया में लेके आया और फर्स्ट जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। तो आपको ये पूछा जाता है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, वो था नीलगिरी का, बना 86 में। अब यहाँ पर जो धुआंधार काम करेगा वो करेगी अपनी मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री जब बनती है तो ये देखती है कि फॉरेस्ट एजुकेशन के लिए इंडिया में है क्या। तो यहाँ मिनिस्ट्री के सामने दो तीन चीजें होती है, एक है फॉरेस्ट एजुकेशन और दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग। तो फॉरेस्ट एजुकेशन के लिए बीएससी कोर्स भले ही स्टेबलाइज कर देती है, लेकिन जब ये देखती है कि इंडिया में बेसिकली तो फॉरेस्ट एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो टेंटेटिवली ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कर देती है, लेकिन ब्रॉड लेवल पे पूरा फ्रेमवर्क लेके आती है और वो खड़ी करती है आईसीएफआरई। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सभी यूनिवर्सिटी एक फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है, उस फ्रेमवर्क का नाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक बॉडी है। उसी के तर्ज पर इन्हें फॉरेस्ट एजुकेशन के लिए आईसीएफआरई खड़ी की गई। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईसीएफआरई कब बनी है, वो बनी है 86 में, कहाँ बनी है, देहरादून में। दोनों ही चीजें पूछी जा चुकी हैं। और उसी टाइम पे आया अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86, भोपाल गैस ट्रेजिडी के 2 साल बाद। इसके बाद हमारी जो सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी, वो आई कब, अपनी 88 में। 92 में अपना एलिफेंट प्रोजेक्ट आया है और 93 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके बाद हमारा करंट तक आ जाए तो 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट आया था, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। देखो इसके लिए क्या है, आपको पता होगा 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके 10 साल बाद, क्योंकि उस अर्थ कॉन्फ्रेंस में ये कंडीशन थी, तो उसके 10 साल बाद हमने उसी की जो कंडीशन थी उनको फुलफिल करने के लिए हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट लेके आए। और इसी के साथ बायोडायवर्सिटी एक्ट की वजह से हमने 2003 में चेन्नई, चेन्नई में बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की। बायो डायवर्सिटी अथॉरिटी, अथॉरिटी ये कहाँ पर है, ये है चेन्नई में। तो इसकी चेन्नई जो है वो याद रखना है, इस पे भी पूछा गया है कब बनी, ये भी पूछा गया। करंट के जो क्वेश्चन है, करंट जो करंट अफेयर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। उनमें एक क्वेश्चन आता है एनजीटी,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना? वो बना 2010 में। एक क्वेश्चन आता है कि नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट, तो ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है वो भी 10 में ही शुरू हुआ था। कौन सा? ग्रीन हाईवे। और इसके साथ एक जो आता है बम्बू प्रोजेक्ट, नेशनल बम्बू मिशन कब शुरू हुआ? ये बम्बू मिशन तब से अभी तक चल रहा है, अभी प्रेजेंट में भी है, जो अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये शुरू हुआ था 2006 में। मनरेगा आया था अपना 2005 में, मनरेगा के बाद शुरू किया गया। और इसी टाइम पर 2006 में एक और आया था, वो था फॉरेस्ट राइट एक्ट। यहाँ पर 2006 दर पूछा गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट का भी पूछा लिया गया है कब आया, और नेशनल बम्बू मिशन तो 7-8 बार पूछा जा चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं तो 2040 में, 2014 में नई दिल्ली में वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी आईसीएआर के अंदर, तो थर्ड हुई थी। तो यहाँ पर जो आईसीआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई। थर्ड यहाँ पर हो गई, तो फोर्थ अभी रिसेंटली फ्रांस में हुई है। ठीक है, कौन कराता है? वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री संस्था है, जिसे ICRAF भी बोलते हैं। कहाँ है? नैरोबी केन्या में। तो इसकी थर्ड अपने यहाँ हुई थी, फोर्थ फ्रांस में हो चुकी है। इसकी फर्स्ट गूगल कर लो कहाँ पर हुई है, इसे भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में पूछ लिया था SRF के में। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2018 में फॉरेस्ट का ड्राफ्ट आया था, फॉरेस्टी का ड्राफ्ट आया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इस टाइप से हम फोर्थ नेशनल फॉरेस्टी की तरफ चल रहे हैं। अब एक बार लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं और इस चीज को यहाँ खत्म करते हैं। तो पहला है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब बना? अब देखो, स्टार्टिंग हमारा शुरुआत हुई थी एक बोर्ड से, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो कब बना था? 52 के जमाने में। बाद में क्या हुआ, 2003 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था उसमें अमेंड करके, क्योंकि जो बोर्ड बना था उसका कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं था, तो 2003 में हमने एक नया बॉडी गठित किया, नई बॉडी स्टेबलाइज की, जिसको बोला गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्योंकि अब ये शुरुआत की गई, ये किससे की गई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 72 का, उसके फ्रेमवर्क के थ्रू उसमें अमेंडमेंट करके इस बॉडी को खड़ा कर दिया गया। तो इसलिए आजकल न्यूज में थोड़ी काफी ज्यादा रहती है। तो ये पहला तो ये पूछा गया कि क्या है ये, एक टाइप से स्टेटरी है, एक टाइप से स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक टाइप से गाइड करती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टाइप से एडवाइजरी बॉडी है, क्योंकि ये एडवाइज देती है। क्योंकि जो देखो एक्शन लेना है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेना है, कोई बॉडी नहीं लेती है। तो बॉडी जो भी है, कोई भी इस टाइप का बोर्ड वगैरह जो होता है, वो एक्शन के लिए बोलता है, एक्शन खुद नहीं लेता है, एक्शन को रिक्वेस्ट कर देगा भाई इस पर एक्शन ले लो, तो एक टाइप से एडवाइजरी बॉडी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले के बोर्ड में तो फॉरेस्ट मिनिस्टर वगैरह ही रहते थे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो चेयरमैन है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयर कौन करता है? अब प्राइम मिनिस्टर होगा तो फॉरेस्ट्री का जो वाइस चेयरमैन, जो मिनिस्टर होगा वो वाइस चेयर रहेगा। तो एक तो ये है कि ये चेयर कौन करता है, एक एडवाइजरी नेचर की, और ये एक स्टेटूटरी है। देखो बॉडी जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेटूटरी, दूसरा होता है एडहॉक। एडहॉक मीन्स जब जरूरत हो तब खड़ा कर दो, और स्टेचुअरी एक टाइप से परमानेंट टाइप की बॉडी होती है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब स्टेबलाइज किया गया? तो यहाँ पर अगर आपको ये भी मालूम है, तीन है कि 2003 है। अब ये एमपी वाले थे, इनने थोड़ा ज्यादा टिपिकल दे दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये एक्चुअली सीधा सीधा 22 सितंबर आंसर था, लेकिन इतना याद रखने का हर आदमी को याद नहीं होता, बट आपका बेसिकली याद होना चाहिए कि 2003 का आंसर है। यहाँ पर तमिलनाडु वालों ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये बोर्ड इसका है वो चेयर कौन करता है, तो ये पीएम चेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र ICF का कि भाई ये अपेक्स बॉडी है इंडिया में वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ से जो कंजर्व रिलेटेड है ना, अब इसमें क्या सही है? तो इसमें बोला कि भाई एक तो ये स्टेटरी है, वो वाली बात सही है, रिप्लेस इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी बात एक टाइप से सही है, इट चेयर बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ये गलत हो जाता है, और 5% ऑफ
रिप्रेजेंट, तो इसकी कोई मुद्दा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेचुटरी बॉडी है वो है ये है और ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड का। तो यहाँ पर एक टाइप से दो इसके राइट आंसर आ जाते हैं, लेकिन जब दो में कोई गला पकड़ दे, गले में उंगली डाल दे और बोले को बता, तो फिर हम सीधा स्टेचुटरी बॉडी वाला आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है। और आगे देख लेते हैं, जैसे बोला इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर वही है कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो दोनों टर्म में। एक क्वेश्चन और है महाराष्ट्र एसीएफ का ही है कि ये जो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है, अब इसे देखो, इन्हें कुछ किया नहीं है, यहाँ पर इन्हें टर्म को घुमा दिया। यहाँ इन्हें नेशनल सब छोड़ करके बोर्ड है किस पे वाइल्ड लाइफ, और ये करता क्या है, एडवाइज देता है। तो इन्होंने ये तीनों शब्द को लेकर यहाँ पर एक नया ही टर्म गढ़ दिया, बोला वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका फंक्शन क्या है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये गाइड करता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन कानून है और जो प्रैक्टिकल मेजर्स हैं उनसे रिलेटेड उन्हें गाइड करता है। तो भाई सही है बात। तो दूसरा, सिलेक्टेड एरिया टू बी डिक्लेयर एज नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, बोला कोई भी एरिया जो है वो इसे ये बता देता है कि इसे हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाहिए, सेंचुरी करना। तो ये देखो, डिक्लेयर करना ये बोर्ड का काम नहीं है, बोर्ड एडवाइज देता है। ये कौन करेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये डिक्लेयर नहीं करता है। तो ये सेंटेंस अपना गलत हो जाता है, इसलिए इसका ओनली ए आंसर आ जाएगा आपका। कुछ और क्वेश्चन भी बचे हैं इसमें, जैसे कि आईसीआर है, उसने एग्रोफोरेस्ट्री पे एक कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया था, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ये 1883 में किया गया, जो आईसीआर का एग्जाम देने वाले उन्हें इसको डिटेल पढ़ना जरूरी है, बकाए के लिए जस्ट 1883 से ही काम हो जाता है। और इसी के साथ इन्होंने दो सेंटर बनाए, एक है एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, एनआरसीएएफ। ये कहाँ बनाया गया है, झांसी में, ये भी याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर एक आया है कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी कब आई, तो जैसा मैंने बोला था कि थर्ड जो वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। तो इसी दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसी टाइम पर 2014 में, क्योंकि 14 में हुई, उसी टाइम पे हमारे जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसका भी वहां उद्घाटन कर दिया था, मीन्स उसको वहां पर रिलीज किया था। तो फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का भाई 2014 में। एक यहाँ पर है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब स्टेबलाइज हुआ, लॉन्च कब हुआ। तो इसका आंसर है, ये भाई जो भी क्वेश्चन पेपर लगा के आया उसने ये गलत आंसर दे दिया, इसका आंसर है 75 में। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 75 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अपना और बचाया, वो है ग्रीन इंडिया मिशन कब है, वो है 2010 में, ग्रीन इंडिया मिशन। और 2010 में क्या बना था अपना, एनजीटी, नेशनल बम्बू मिशन। बम्बू मिशन कब है, बम्बू मिशन है 2006 में। तो यहाँ पर जो अपना मेन टेबल थी उसका जो पहला पिलर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पिलर की तरफ, जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। इसका हम देखेंगे क्या इसका हिस्ट्री क्या रही है, और इससे जो लिंक इसकी जो सबऑर्डिनेटेड बॉडीज हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्टेबलाइज कैसे हुई, मिनिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई। तो जैसा पहले बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट थी। 2-3 दिसंबर की रात को क्या होता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी ट्रेजिडी हो जाती है। इसके बाद इसका काम बहुत बढ़ जाता है, तो फिर 85 में एक टाइप से इंडिपेंडेंट पूरी मिनिस्ट्री खड़ी हो जाती है। उस टाइम पे इसका नाम जो होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर की तो पावर नहीं देते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट चार्ज, एक मिनिस्टर जो है मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, इस टाइप से एक बना दिए जाते हैं जो अभी तक है। तो अभी अपने कौन है, मिनिस्टर ये रहे।
ये एक अभी तो कैबिनेट का दर्जा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 5 या 10 ईयर में ये कैबिनेट के दर्जे पे चली जाए, क्योंकि जिस टाइप की कंडीशन चल रही है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी रहती है। अब कौन इसमें फर्स्ट मिनिस्टर था कौन नहीं था कोई लेना देना नहीं है, अपना इतने से काम हो जाता है कि अभी अपने प्रकाश जावड़ेकर जी हैं इसके कौन मिनिस्टर। अब हमारा जो सेंस था वो इसके एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि इनके आगे कौन सेक्रेटरी काम होगा, कहाँ IGF होगा, कौन कैसा डिपार्टमेंट काम करेगा, ये सिस्टम को यहाँ समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खाली पीली का ऐसा नॉलेज है जिस पे अपने एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम सीधे चलते हैं इससे लिंक जो सब ऑर्डिनेटेड बॉडीज हैं उन पर। इनमें जो अपनी पहली बॉडीज आती है वो आती है अपनी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में जो सेंटर थी ये जो पावर सेंटर था वो क्या था, वो था कोलकाता। तो जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा वो कहीं ना कहीं कोलकाता में ही खड़ा हो जाएगा। तो बॉटनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है अपना कोलकाता में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब बना है, वो है अपना 1890, क्योंकि कोलकाता जो है वो इंडियन इंडिया की कैपिटल जो है वो 1911 तक के कोलकाता ही कैपिटल थी। तो 1911 से पहले पहले जितने भी इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए वो कोलकाता में ही बने, ऑलमोस्ट कोलकाता में बने। वो वैसे ही पैटर्न है जैसे आज के टाइम पे जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नया खड़ा होता है वो दिल्ली में बनता है। इसका जो लोगो है इस पे क्वेश्चन आए हैं, लोगो क्या है, बनियान ट्री है, और ये बनियान ट्री क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, फाइकस बेंगालेंसिस। देखो बंगाल इसके साइंटिफिक नेम में जुड़ा है और फाइकस इसका क्या है, जीनस है और ये स्पीसीज है। तो बनियान ट्री है इसका, ये लोगो है, ये बरगद है जो आज भी काफी बड़ा, जो अपने यहाँ का सबसे बड़ा पेड़ है, इंडिया का जो सबसे बड़ा पेड़ है वो यही है फाइकस बेंगालेंसिस। वहां पर ये ओरिजिनल जो होरा में जो अपना बोटेनिकल गार्डन है जिसे अपन बोलते हैं जेसी बॉस बोटेनिकल गार्डन, उसमें ये पेड़ खड़ा हुआ है। ये इतना पुराना है कि इसका मेन ट्रंक तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि बरगद है तो इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं ये एरियल रूट पे ही पूरा पेड़ टिका हुआ है। इसने अपने काम को और बढ़ाने के लिए इसके लगभग 15 रीजनल सेंटर खोले गए हैं जो रीजनल लेवल पे काम करते हैं। यहाँ रीजनल सेंटर कितने हैं इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मतलब का ये है कि जो एरिड जोन रिसर्च सेंटर जो इसका है वो अपने जोधपुर में है जो कि राजस्थान का है। जो ICAR के दे रहा है वो ये 15 को याद रख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन राजस्थान वालों को ये जो एरिड जोन रिसर्च सेंटर है इसको याद रखना ही है। अब अगर वर्क की बात की जाए तो ये जो फॉरेस्ट है मीन्स फॉरेस्ट का तो काम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। जो बॉटनी के जो प्लांट है, क्योंकि ये वो पीरियड है जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेबलाइज नहीं हुआ था, तो इस टाइम पे प्लांटों से रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो, चाहे उनकी डायवर्सिटी देखना हो या फॉरेस्ट हो या फिर हमारे इथनो बॉटनिकल जो रिसर्च होता है कि हम एंशिएंट इंडिया से आज तक कैसे मेडिसिनल प्लांट को यूज कर रहे हैं, कैसे सोसाइटी प्लांट पर बेस्ड है और उन्हें यूज कर रही है, या हमें जो एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन है उसका काम कैसे करना है वो भी यही करती थी। एक्स सीटू और इन सीटू मतलब जो सिस्टम है जैसे कि नेचुरल एरिया है, इन सीटू मतलब जो प्लांट यहाँ का है उसे यहीं कंजर्व कर देना, और एक्स सीटू एक्स मीन्स एग्जिट, एक्स का मीन्स होता है एग्जिट, इसे यहाँ से आउट करके कर देना, और इन सीटू मतलब इन मीन्स इनसाइड, इनसाइड उसे यहीं पे कर देना। और इसके साथ साथ ये इंडिया में कितने प्लांट हैं, अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है प्लांट के, उनको जो डाटाबेस है वो यही बनाता है। अब क्योंकि एक ही एजेंसी है बॉटनिकल लेवल पे बॉटनी की, जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो भी इस टाइप का वर्क होगा उसकी नोडल एजेंसी कौन बनेगी, यही बनेगी। तो IUCN जो वर्ल्ड लेवल पे एक बुक पब्लिश करता है जिसे बोलते हैं रेड डाटा बुक, तो उसका अगर इंडिया के लेवल पे जो काम करेगा वो कौन करेगा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाली पीली के काम खुद ही नहीं करेगा, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा देता है। तो अपनी ये BSI देखती है। BSI के अंदर बहुत सारे गार्डन है जिसमें जो बोला कि जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो इस टाइप के बॉटनिकल गार्डन के अंदर
प्रोटेक्ट करती हूँ ना। इसकी जो बॉटनिकल गार्डन है वैसे तो बहुत सारे हैं, इनमें दो ही फेमस हैं। इसमें एक है जीसी बॉस, जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, या तो ये सीधा नाम लिख के आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, या पूरा लिख के आएगा जेसी बॉस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है? होराव। होराव कहाँ आता है? कोलकाता। दूसरा एक आता है बॉटनिकल गार्डन गार्डन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जब ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया टर्म जुड़ा हो तो ये अपने कहाँ आ जाता है? नोएडा। तो आपको ये दो टर्म याद रखना है। इसके साथ हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, कि जैसे द ग्रेट ग्रेटेस्ट एंड फेमस हर्बेरियम इन द वर्ल्ड। ये जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं इसमें कुछ हर्बेरियम भी बनाए जाते हैं, जहां हम जो पुराने प्लांट है जो खत्म हो चुके हैं या जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उग रहे हैं, जिन्हें हमने इन सीटू कंजर्व किया है, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, उनको हम हर्बेरियम में प्रोटेक्ट कंजर्व करके रखते हैं। उनकी स्लाइड मीन्स उनको एक टाइप से ड्राई करके हम सुखा के रखते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे कुछ हर्बेरियम है जो बड़े बड़े लेवल पे इस टाइप की लाइब्रेरी बन रखी है उनकी। उनमें जो वर्ल्ड में दुनिया में जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है क्यू का। क्यू जो है वो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है, कहाँ है? इंग्लैंड में। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये जो ग्रेटेस्ट और फेमस हर्बेरियम है उसमें अपना यही आ जाता है, रॉयल बॉटेनिकल इंग्लैंड वाला। कहाँ का? वर्ल्ड का। लेकिन अगर इंडिया का बोला जाए या साउथ ईस्ट एशिया का बोला जाए तो फिर अपना कौन सा आ जाएगा? होराव वाला, इंडियन बॉटनिकल गार्डन होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन पर, वो है अपनी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी एक बुक आती है रेड डाटा बुक, उस पर देख लेंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? कोलकाता में। लेकिन इसकी स्थापना जो की गई वो वर्ल्ड वार वन के टाइम पे की गई, कब? 1916 में। देखो अभी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन ये भी कहाँ बनी? कोलकाता में। एक बात ध्यान रखो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनी? 1980 में, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी 1916 में। इन चीजों को याद रखना है, क्योंकि लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और लोग 1990 लगा गया। देखो ब्रिटिश को यहाँ के जानवरों की जरूरत नहीं थी जितनी उन्हें पेड़ों की जरूरत थी, इसलिए उन्हें सबसे पहले जंगल पर कब्जा किया, पेड़ों को बाद में करेंगे। या अगर आप ऐसे समझो हिस्ट्री में भी, तो हमने ब्रिटिश ने सबसे पहले 1906 में जो वाटसन को अपॉइंट किया था वो पेड़ों के लिए था, ना कि वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ तो उनकी 19th सेंचुरी के एंडिंग में आया, स्टार्टिंग से ही पेड़ थे। तो वैसे ये बॉटनिकल बॉटनी पहले आएगी, जूलॉजी उसके बाद में आएगी। इसका अगर हम लोगो बोला जाए तो लोगो है वो है इंडियन बायसन, जिसे बोलते हैं बॉस गोरस। ये याद रखा जाए साइंटिफिक नेम क्या है, ये अपना इंडियन बायसन है। ये जो बॉस गोरस है इसके बारे में दो चीजें लिंक है। ये जो गोरस है ये एक तो बॉस गोरस या इंडियन बायसन है, ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है, और इंडिया में एक ही वहीं पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें ये रहता है, मींस इसी पे डेडिकेटेड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है, और इंडिया में ज्यादा कुछ है नहीं इसका। इसके साथ साथ इसमें दो बातें और हैं। छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है जिसे बोलते हैं गौड़ मालिया। ये गौड़ जो है वो एक गौड़ जो है वो इसी से गौड़ से बना है, या उसी ये गौड़ से ही गौरस टर्म लिया गया। तो गौड़ मालिया क्या करते हैं, जब ये खत्म हो जाता है तो इसके जो सींग होते हैं इनको अपने हेड पे लगाते हैं, उनका जो हेड होता है वो इस टाइप के सींग लगा करके डांस करते हैं। ठीक है, तो गौड़ मालिया जो है छत्तीसगढ़ वाले, तो ये गौड़ उनसे भी लिंक है। इसके भी ऑब्वियसली जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 15 थे, इसके भी कुछ 16 रीजनल सेंटर है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, वो रखना है कि एक तो इसका राजस्थान में है डेजर्ट रीजनल सेंटर DRC, दूसरा सेंट्रल जोन रीजनल सेंटर कहाँ है? जबलपुर। तो ये याद रख लो कि एक तो डेजर्ट सूखा पड़ा है तो वो जोधपुर में है, और जो सेंट्रल जोन है कुछ वो ये याद रखो, एक जबलपुर में है एक जोधपुर में है। सेंट्रल जोन लिख दिया मतलब जबलपुर में है क्योंकि MP में है, और अगर डेजर्ट लिख दिया तो राजस्थान में। अब ये करता क्या है,
जियो बॉटनी का करता है नोडल एजेंसी है, जो भी वाइल्ड लाइफ पे काम होगा, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो WWF है या कोई भी इस टाइप के इंटरनेशनल लेवल का होता है, तो वहां पर यही जाएंगे। हमारे यहाँ कितनी फोनल डाइवर्सिटी है, कौन सा एनिमल कितनी पॉपुलेशन है, कौन एंडेंजर्ड है कौन नहीं है, कौन थ्रेटेंड है, किसका क्या चल रहा है, और ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है इसका क्या इशू चल रहा है, तो वो कौन करेगा, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा। हाँ ये बात सही है कि आज के टाइम पे हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ काम को बांट करके हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पकड़ा दिया है, लेकिन क्योंकि ये काफी पुरानी इंस्टीट्यूट है तो इसने काफी अच्छा काम किया और बहुत सारे और भी काम है, बस फॉरेस्ट के कुछ एनिमल को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पकड़ रखा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो काम करता है वो बड़े एनिमल पकड़ता है, जैसे टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, लेकिन रिमेनिंग जो छोटे एनिमल भी है, जैसे आपके यहाँ कॉकरोच है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है, वेस्टर्न घाट के फ्रॉग है, तो इन सब पे जो काम करता है वो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। अब यहाँ पर एक बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आता है रेड डाटा बुक। इसके साथ इशू ये है कि पहले जब आईयूसीएन इसने जब बुक पब्लिश करना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में जो बुक थी उसमें केवल प्लांट थे, ना कि एनिमल। बाद में जब वो एनिमल पब्लिश नहीं करते थे, तो हमारी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने एनिमल की रेड डाटा बुक पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। बाद में वो लोगों ने भाई पार्टी बदल ली और वो प्लांट के साथ साथ एनिमल भी करने लगे, तो फिर भाई जब वो भी करने लगे तो फिर भाई अपना भी पब्लिश हो ही रहा है, तो अपने पास भी है कौन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अभी हाल फिलहाल में लेवल पे क्या काम चल रहा है, जैसे कि डीएनए जेनेटिक्स का आजकल अच्छा काम चल रहा है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्रोमोसोमल मैपिंग है, और जीआईएस रिमोट सेंसिंग वाले जो काम है, वो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इन्हीं पे काम आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, सीधा सा कहाँ है, कोलकाता। अब वापस अपने आते हैं थर्ड ऑर्गेनाइजेशन पर, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो इससे पहले क्या था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो क्राइम होते थे या जो इश्यूज हैं उनके केस जो लड़ते थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो एक्ट है पहले से अवेलेबल एक्ट है, उन्हीं के अंदर रह करके वो लिमिटेशन में वो केसों की सुनवाई करता था। तो पहला तो यह कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जज है उनके पास एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की कमी हो जाती थी, कमी रहती थी, क्योंकि हर एक को इस मुद्दे पे एक्सपीरियंस नहीं होता था, या उसे इतनी समझ हो, या वो अलग से पढ़ना पड़ता था उसे वाइल्ड लाइफ एक्ट वगैरह। दूसरा मुद्दा ये होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो केवल जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी के अंदर रह सकते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए एक टाइप से बैकग्राउंड देख लिया जाए तो 95 में कहीं ना कहीं इस चीज की शुरुआत हो गई थी। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 95 और 97 में दो काम किए थे। उसने क्या किया था कि भाई एक ट्रिब्यूनल बना दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लोग ना जा करके पहले नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में केस ठोक लें। पर्पज यही था कि छोटे मोटे केस यहाँ ट्रिब्यूनल में देख लें, और अगर ट्रिब्यूनल में निपट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट बाद में जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरलोड कम हो सके। दूसरा, ये जो ट्रिब्यूनल होता है इसमें थोड़े स्किल पर्सन आ जाते हैं। इसके साथ साथ ये कि अब अगर कभी मान के चलो ट्रिब्यूनल ने गलत कोई डिसीजन दे दिया, तो उसके लिए उसके डिसीजन को क्या किया जाए, कहीं अपील हो, तो इसके लिए यहाँ पर एक अपीलेट अथॉरिटी भी बनाई गई। कब, 97 में। बाद में क्या हुआ, 2010 तक आते आते हमें एक बात लगी कि ये ट्रिब्यूनल एक तो ज्यादा कोई सक्सेसफुल है नहीं, क्योंकि लोग अपीलेट अथॉरिटी में चले जाते हैं, इसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में, तो बोला हमने एक भले ही एक एक्स्ट्रा लेवल बना दिया, लेकिन फिर लोग क्या है, जिस 100 केसेस 100 में से 99 सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, तो बोला इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये केवल जो भी हमने दो में वर्क करता है ये खाली पीली की बकैती हो गई है, एक्स्ट्रा लोड हो रखा है। दूसरी बात यह है कि ये भी जो भी काम कर रहे हैं ये हमारे केवल उसी एक्ट के अंदर कर रहे हैं जिसके अंदर इन्हें पावर दी गई है। ये अगर कभी हमें एक्ट से कभी ऊपर बाहर, या भले ही वो नेचर के लिए हो, लेकिन अगर कभी हम थोड़ा बाहर जाने का मौका मिले, जो नेचुरल लॉ है उनके ऊपर काम करने का बोला जाए, तो ये उससे नहीं जा सकते।
तो फिर 2010 में एक नई ही बॉडी खड़ी की गई, उसे बोला गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में एक एक्ट आया, एनजीटी एक्ट, उसके थ्रू ये नई बॉडी खड़ी की गई एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल क्यों? क्योंकि फुल बॉडी तो जो जुडिशियल बॉडी कौन है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसे और आधी जुडिशियल है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाती है। ये वैसे इसकी जो लिंकेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से ही है, बट ये है कि इसकी जो डिसीजन है उन्हें चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पुरानी वाली बुराइयों को दूर करने के लिए इसमें क्या किया गया कि पहले जितनी आसानी से ये वो करने चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, वैसे अब नहीं जाते हैं। तो अब एनजीटी के जो डिसीजन है उन्हें बहुत इजीली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी पावर कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट जैसी ही हो रखी है। दूसरा, अब इसके साथ क्या है कि ये केवल जो लॉज हैं उन्हीं पर बना हुआ नहीं है, अगर इसे जरूरत लगी तो जो इंडियन लॉज है, मीन्स फॉरेस्ट लॉ है, वो लॉ जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, ये उन लॉ के बाहर जा करके भी जो नेचुरल जस्टिस है उसका प्रिंसिपल को अपनाते हुए ये गाइडलाइन दे सकता है, डिसीजन दे सकता है। मीन्स जो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट बाहर नहीं जा सकता था, एनजीटी उसके बाहर भाग जाता है, भाग सकता है। यही वजह है कि एनजीटी जो बहुत सारे, जैसे बेंगलोर की जो लेक थी उसमें पॉल्यूशन के इशू थे, या इस टाइप के जो यमुना बेसिन था कहाँ दिल्ली में उसके केस है, तो ये वही केस है जिसमें एनजीटी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को यूज करते हुए सो मोटो ले लेती है। इसके साथ साथ क्योंकि साउथ इंडिया वालों को हर आदमी को दिल्ली भाग लाना पड़े, तो इसके चार रीजनल सेंटर बनाए गए। सेंट्रल इंडिया के लिए भोपाल है, थोड़ा महाराष्ट्र एमपी वो पुणे वाले जो रीजन है, पुणे या कर्नाटका है उनके लिए पुणे बना दिया गया, ईस्ट वाले पार्ट के लिए कोलकाता, और बिल्कुल फॉर साउथ के लिए चेन्नई बना दिया गया। इस टाइप से चार सेंटर बना दिए गए इसके, मीन्स चार लोकल सेंटर है और फिर मैन तो दिल्ली में है ही है, तो इस टाइप से पांच जगह ये हो गया। अब एनजीटी के बाद अपना आ जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को हम बिल्कुल अलग ही स्लाइड में करेंगे, तो इसलिए यहाँ देखने की जरूरत नहीं है इसे। यहाँ पर कुछ जो छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन बची हैं उन्हें देख लेते हैं, इनमें किसी को डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, बस उनका नाम और कहाँ है और कब बनी इतना ही काफी है। जैसे कि पहला बताया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो बाद में बन गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये कब बना? 2003 में। लेकिन ये इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब बना था? 51 में, ये याद रखना है कब बना है, आप क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे पहले, कई बार आ चुका है। दूसरा आता है, उसी टाइम पे एक इशू था जूलॉजिकल पार्क का, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उन्हें ऐसा फील हुआ कि यार घूमने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहाँ चाहिए। जो नेता जो लोग दिल्ली में बैठे थे उस टाइम पे, तो बोला कि जो भी बाहर के आते हैं, फॉरेन डिग्निटरीज हैं, कोई भी अगर इंडिया में घूम रहा है, घूमना चाहता है, तो इंडिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक टाइप का म्यूजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए, जहां आकर के वो देख सकें सबके सब वाइल्ड एनिमल को। तो उस टाइम पे प्रपोजल आया था, 52 के आसपास प्रपोजल आ गया था, पर उस पर काम चलता रहा, तो 59 में उद्घाटन हुआ, तो वहां पर एक जू खड़ा किया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा गया नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, उसका आंसर है नई दिल्ली। लेकिन कुछ एग्जाम में, क्योंकि ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, इसी को अपन दिल्ली जू बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये भी पूछा गया दिल्ली जू कहाँ, दिल्ली जू कब बनी, क्योंकि इसमें दिल्ली जू को तो ये नहीं बोलेंगे कहाँ पर है, दिल्ली जू कब बनी है? 59 में। और नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके साथ एक और आता है कि जब ये जूलॉजिकल पार्क की डिस्कशन चल रहा था, उसी टाइम उसके कुछ टाइम बाद नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बात चली। ये बात चली कि हमारा जब देश 25 साल हो चुके थे आजाद हुए, तो फिर डिसाइड किया गया कि हमारी जो नेचर की जो हिस्ट्री है, फ्लोरा फोना है, कौन देश जब अर्थ बन रही थी तो अर्थ की हिस्ट्री के साथ हमारे यहाँ क्या क्या था, तो उसकी हिस्ट्री का पूरा पूरा एक म्यूजियम बनाने की बात की गई। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के आता है, और ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसलिए भी थोड़ा न्यूज में थी क्योंकि
4-5 साल पहले इसमें आग लग गई थी, फायर के इंसिडेंट्स हो गए थे, जिसमें ये बहुत ज्यादा 50% के समथिंग 50-60% बर गया था, बर्न हो गया था। तो ये 78 में स्टेबलाइज हुआ, याद रह जाता है ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद फॉरेस्ट एजुकेशन को, जो IFS हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इग्नेफा देहरादून में एक इंस्टीट्यूशन खड़ी की गई है 1987 में। ये कहाँ है, देहरादून में। कब खड़ी की गई, 1987 में, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जहां पर IFS जो है उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन और है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन। फॉरेस्ट एजुकेशन का डायरेक्टरेट शुरू किया गया 1953 में, जो उस टाइम पर दे रहा था ECF और RFO वगैरह जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा था। FRI से लिंक है, कहाँ है, देहरादून में, FRI के कैंपस में ही है। बाद में क्योंकि ये ECF RFO को तो सही से ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन हमें IFS के लिए एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और बेटर बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी को भी स्टेबलाइज किया गया उसी के अपोजिट साइड में, वही पास में ही है। एक इंस्टीट्यूट और है जो हिमालयन रिसर्च से रिलेटेड है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कहाँ है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। ये आज के टाइम पे जो हिमालयन रिसर्च है, हिमालयन जो सस्टेनेबिलिटी है, जो क्लाइमेट चेंज का जो हिमालयन इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो उस पर रिसर्च का काम कर रहा है, वो जीबी पंत हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कर रही है। इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ICFRE है, इनको अपन डिस्कस कर चुके हैं और कुछ अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी में बता चुका हूँ कि 2002 में एक्ट आया था, तो ये 2003 में बन गई थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको जस्ट एक बार जनरल गूगल कर लो, इसे इसमें देखना कुछ नहीं है, बस ये देख लो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है, कब बनी, क्या करती है, इतना कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद दो अथॉरिटी और है, एक टाइगर टास्क फोर्स और दूसरा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA और TTF। इनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे तो वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर को ज्यादा डिस्कशन में आता है, तो वहां पर इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। बस ये याद रखो कि इस टाइप की भी दो अथॉरिटी बनी है, ये लगभग 2005 के आसपास बनी थी। जू, एक जू की हमारी जो सिचुएशन थी इंडिया में, क्योंकि जू जो है उनका कोई रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर सिटी में चिड़ियाघर है और एक चिड़ियाघर दूसरे के एक्सपीरियंस जो है आपस में शेयर नहीं हो पाते थे, और इनका कोई कंट्रोल माई बाप नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया था कि 1992 में वाइल्ड लाइफ एक्ट जो था, प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें अमेंडमेंट करके एक सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई थी। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या करता था कि जितने भी जू हैं उन सबको इसी के अंडर कर दिया गया, तो ये तो एक तो जू को कोऑर्डिनेट करता है और जू में क्या चल रहा है उसको ध्यान रखता है, दूसरा जू में मतलब कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए उसको रेगुलेट करता है, दूसरा एनिमल एक जू से दूसरे जू में जाएंगे उस पर भी कंट्रोल करता है, और नेक्स्ट ये जू पे जो रिसर्च करना है, जैसे एनिमल है टाइगर है उसकी ब्रीडिंग करनी है, तो वो भी काम यही करता है, आसान हो जाता है इसके लिए करना। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड था वो इशू सॉल्व हो गया अपना, यहाँ पर अपना कोर्स ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सब टॉपिक की तरफ, वो है अपना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और हमें इसके साथ साथ क्या जरूरत है, इसकी एक रिपोर्ट आती है हर 2 साल बाद, वो है इंडियन स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो हम यहाँ दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1965 में कौन, FAO, अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमें एक सेंटर स्टेबलाइज कर दो आप, जिससे हमें जो ग्लोबल लेवल पे मींस इंडिया का जो डाटा है, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड डाटा है, कितना एरिया है, कितना कवर है, और जो अदर थिंग्स के जो डाटा है वो इजीली मिल सके, जिससे हम ग्लोबल लेवल पे एक सिनेरियो, एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सके। तो उस टाइम पे 1965 में एक सेंटर स्टेबलाइज किया जाता है, कहाँ, देहरादून।
तो इसे फंड कौन करता है? एफएओ और यूएनडीपी, ये डेवलपमेंट वाला है, ये फंड दे देता है और एफएओ से हेल्प करता है टेक्निकल। इस टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1865 में एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो जाती है। बाद में आपको पता है कि 1970 के टाइम पे एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनता है, जो 76 में अपनी रिपोर्ट दे देता है। ये रिपोर्ट बोलती थी क्यों, देखो कमीशन ऑन था तो एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से बहुत लिंकेज है, तो ये कमीशन ये रिपोर्ट करता है कि भाई हमारे जो फॉरेस्ट है कहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, या कन्वर्जन हो रहा है। इसके लिए हमें एक नेशनल लेवल पे एक डाटा की जरूरत है, और ये डाटा हमें तब मिल सकता है जब हमारी कोई स्पेसिफिक एजेंसी हो जो इस टाइप के काम करने में स्किल हो। इसके लिए हमें एक काम करना चाहिए कि हाल फिलहाल हमारे पास जो पिसफर के नाम से एक सेंटर है उसको हमें प्रमोट कर देना चाहिए और एक सेंटर बना देना चाहिए। तो बाद में जो 1981 का पीरियड आता है उसमें, मैंने 82 नहीं बोल रहा हूँ, 82 में तीन इंस्टीट्यूट बने थे, वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एक और इंस्टीट्यूट था, ये तीनों बने थे 82 में, लेकिन ये बना है 81 में, इस बात को ध्यान रखा जाए। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1881 में देहरादून में स्टेबलाइज किया गया, तो क्योंकि वहीं पर था तो अपना जो एफआरआई का कैंपस है उसी में पीछे की साइड उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को खड़ा कर दिया। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब बन गया तो ये क्या जब ये बन गया तो ये क्या करना शुरू किया भाई, रिपोर्ट निकालेगा। तो स्टार्टिंग में तो नहीं, हाल ही तो नहीं, लेकिन इसने 87 से रिपोर्ट निकालना शुरू कर दी, और ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद निकाल रहा है। बीच में थोड़ा 1-2 साल का बीच में ऊंच नीच हुई है, लेकिन फिर भी लगभग ये हर 2 साल बाद निकाल रहा है। इस रिपोर्ट का नाम होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ऐसी ही सिमिलर रिपोर्ट एक वर्ल्ड लेवल पे कौन निकालता था, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसे स्टार्ट किया था, वो क्या था, एफएओ। ये निकालता था स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये निकालता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में जो अपने सामने रिपोर्ट आई है वो है 16th नंबर की, जो आई है 2009 में। तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो 6 है और यहाँ पर 9 है, अगर 6 को आप 180 डिग्री पे घुमा दो तो ये 9 बन जाएगा। तो आपको यहाँ याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि कहाँ पर है, कब बनी है, और इस रिपोर्ट जो पब्लिश करती है इसका नाम क्या है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, ये बात हमारे लिए बहुत मतलब की चीज है, जिसमें हम फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग का भी ये सिस्टम है उसकी भी डाटा इसमें दे रहा है, इंडिया में कितना कार्बन स्टोरेज जो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो डाटा है वो इसके बारे में बताता है। ये क्या क्या बताता है, इन चीजों को अपन बाद में एक एक करके अगले 2-3 स्लाइड बाद इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पर एक टर्म होता है जो बीच बीच में कूद कूद के आता है, वो है ग्रीन वॉश। ये वॉच नहीं है, ये वॉश है, ग्रीन वॉश। तो एक्चुअल में जो पिक्चर्स होती हैं उनमें दो टर्म होते हैं, एक होता है ग्रीन वॉश और दूसरा होता है व्हाइट वॉश। तो पहले ये ग्रीन वॉश और व्हाइट वॉश का जो पचड़ा है उसे समझते हैं कि ये आखिर है क्या। होता क्या है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये भी कहाँ है, ये भी देहरादून में है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो जब इंडिया का मैप निकालता है तो उसमें वो अपनी एरिया दिखा देता है, और इसके साथ साथ वो एरिया को भी डिनोट कर देता है जहां पर फॉरेस्ट है, या वो एरिया जो फॉरेस्ट कवर के अंडर है जहां पर पेड़ पौधे हैं। तो इस टाइप के जब वो मैप बनाता है तो जो पेड़ पौधे वाले एरिया होते हैं वो ग्रीन 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 कलर में शो कर देता है। तो इस टाइप से एक टर्म ड्राइव हुआ कि वो एरिया जो ग्रीन कलर से धुले हैं, ग्रीन कलर से कलर है, उन्हें बोलते हैं ग्रीन वॉश एरिया, और जो रिमेनिंग एरिया है वो व्हाइट कलर का, इसलिए उसे बोलते हैं व्हाइट वॉश एरिया। हमारे लिए क्या इशू है कि कंपा, जो आप जानते हो कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, कि जैसे अगर कोई फॉरेस्ट एरिया था, अगर वहां पर किसी को माइनिंग एक्टिविटी करनी है, गवर्नमेंट का कोई इशू है, यहाँ पर माइनिंग करना था या डैम बनना था, तो इसी एरिया का जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट हुआ है
इसी एरिया के बराबर कहीं फॉरेस्ट प्लांटेशन कर दी जाएगी। तो ये जो की है वो इसके कंपनसेट में, ये दूसरे पॉइंट पे की है, तो इसे बोलते हैं कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। तो जो कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन है इसके लिए पूरे इंडिया लेवल पे जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन, जो आज के टाइम पे सिस्टम है, तो उसमें एक ऑनलाइन ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन सिस्टम स्टेबलाइज किया गया। इस सिस्टम को बोलते हैं ई ग्रीन वास एरिया। ई ग्रीन वास, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। तो ये क्या करता है, कहीं भी कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन होता है उसको ये ऑनलाइन डिजिटली जो इंडियन मैप है उस पर दिखा देता है कि यहाँ पर प्लांटेशन हुई है। इससे क्या हुई, सिस्टम में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई। नहीं तो होता क्या था कि कहीं प्लांटेशन तो कागजों पर प्लांटेशन हो जाती थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वहां का कुछ होता ही नहीं था। अब अपनी मेन थीम पे चलते हैं, वो आती है अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी हाल में कौन सी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, 2019 की, जो किस नंबर की है, वो है 16th नंबर की। अब ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें रिपोर्ट में बहुत सारे डाटा होते हैं। ये यहाँ पर दो वॉल्यूम में होती है, तो एक में एक्चुअली पूरा इंडिया वाइज होता है और दूसरे में स्टेट वाइज होता है। जो इसका सेकंड वॉल्यूम होता उसमें स्टेट वाइज स्टेट करके इस टाइप का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें क्या होगा, उसमें आपको बताया जाएगा इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, मैंग्रोव्स कवर कितना है, ग्रोविंग स्टॉक, फॉरेस्ट टाइप, कार्बन स्टॉक, बायोडायवर्सिटी और फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। यहाँ पर हम मैंग्रोव्स को नहीं पढ़ स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके पीछे मैंग्रोव्स वाला जब अगली स्लाइड आएंगी, अगला लेक्चर आएगा, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा चार चार जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा, तो थोड़ा टाइम शॉर्टेज बचेगा अपना। रिमेनिंग को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अपना पॉइंट आता है फॉरेस्ट एरिया। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर फॉरेस्ट एरिया होता क्या है। तो जो गवर्नमेंट बोलती है उसका कहना है कि ऐसा कोई भी एरिया मायने नहीं रखता, क्या है, कुछ उगा है नहीं उगा है, कोई भी एरिया जो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर ये बोलता है कि ये फॉरेस्ट है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या भले ही वो किसी पंचायत राज सिस्टम के अंदर अंडर हो, या जैसे आसाम में जो ट्राइबल बॉडीज हैं उनके अंडर हो, कोई भी बोर्ड हो, बॉडी हो, जो ये बोलती है ये एरिया फॉरेस्ट एरिया है, उसे हम फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूड करते हैं। अपना दूसरा मुद्दा है कि इंडिया में आखिर फॉरेस्ट एरिया है कितना, तो ये है 76.7 मिलियन हेक्टेयर। इसे याद रखना, जो टोटल इंडिया के जियोग्राफी का है 23.34। तो मैं इसे याद रखता हूँ 2345, तो 2354 याद रख लो, काम हो जाता है, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन आता नहीं है। तो फॉरेस्ट एरिया कितना है, 76.7 मिलियन हेक्टर। अब जो फॉरेस्ट एरिया है वो डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल पे जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उसके पहले के जो अपना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिवाइड किया गया है प्रोटेक्टेड एरिया में, रिजर्व एरिया में और अनक्लास में। पहले ये तीनों शब्द समझते हैं, फिर इनका बहुत सेंस है। जैसे कि पूरा पूरा ये एरिया था, एरिया का कोई, ये जो एरिया था इसको मैंने प्रोटेक्ट कर दिया है। मींस प्रोटेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये एरिया पर टोटल गवर्नमेंट ओनरशिप तो है ही, वो टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसमें किसी बाहर वाले को आने की परमिशन ही नहीं है, तो इसे हमने बोल दिया है प्रोटेक्टेड। इसमें कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरा रेगुलेशन गवर्नमेंट के पास है। रिजर्व, इसमें हम वो एरिया रख देते हैं जो फॉरेस्ट के एरिया होंगे कुछ, जिस पे गवर्नमेंट ऑनरशिप है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन जो ट्राइबल है या आसपास की जो सोसाइटी है
उसको उससे जो रिसोर्सेस है, खासकर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन से माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने की परमिशन है, वहां उन्हें फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं। और तीसरा अनक्लास वो एरिया है जो बच गया, जो जिसका डिस्क्रिप्शन इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो है अनक्लास। तो जब हमारे जो फॉरेस्ट एरिया अगर हम उन्हें देखें तो वो भी इसी तीन कैटेगरी में डिवाइड होंगे। इसके साथ हम पहले एक बात और देख लेते हैं कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। तो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है वो है 328 मिलियन हेक्टेयर। ये याद रखें कितना है, 328, जबकि हमारे फॉरेस्ट एरिया कितना है उसमें 76%, मतलब हमारा जो बनता है वो हिस्सेदारी बनती है 23%, 328 का लगभग 23%। अब क्योंकि राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान पीएससी में राजस्थान का ही डाटा पूछा जाएगा। तो उस टाइम पे राजस्थान का जो है वो क्या है, अपने राजस्थान में वो है 34 मिलियन हेक्टेयर एरिया। ये क्या है, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान, जो टोटल इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया का कितना है, 10.4%। इंडिया का कितना है, 328, और राजस्थान का कितना है, 34, उसका लगभग 10%। एक बात और, तो फॉरेस्ट जो एरिया है, जैसा मैंने बोला था कि आज तो फॉरेस्ट एरिया इतना है, मीन्स सपोज 23%, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो मैंने बोला था कि 10 से 15 के बीच में है, तो वो एक्चुअली था 12.5% के आसपास। तो देश आजाद हुआ तब हमारे पास फॉरेस्ट एरिया 12.5% था, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट न पूछ के इनडायरेक्टली इस टाइप से पूछा कि जब देश आजाद हुआ तब से अब तक फॉरेस्ट एरिया उतना ही रहा है या बढ़ा है। तो लोग मानते थे कि फॉरेस्ट तो घट रहा है, तो उन्होंने घटने वाले ऑप्शन पे लगा दिया, तो उनका आंसर गलत हो जाता था। अब जैसे कि अपने मुद्दा राजस्थान के आसपास घूमना है, तो अपन राजस्थान को पहले देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो अपनी राजस्थान की जियोग्राफिकल एरिया उसका 9.6% है। तो ये याद रख लेना, कौन सा, 32 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का फॉरेस्ट एरिया। अगर आप इसे मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो स्क्वायर किलोमीटर के पीछे दो जीरो लग जाते हैं और ये 1 मिलियन हो गया। तो राजस्थान का हो गया अपना 3.2 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था प्रोटेक्टेड रिजर्व और अनक्लास का, वहां पर केवल इतना ही मुद्दा था कि देखो हमारे फॉरेस्ट तीन कैटेगरी में है, चाहे वो नेशनल लेवल पे ले लो या राजस्थान लेवल पे है। सबसे ज्यादा हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंडर आते हैं, फिर उससे कम आते हैं रिजर्व, और उससे कम आते हैं अनक्लास। अनक्लास में हमने छोड़ी नहीं। आपको कौन सा फॉरेस्ट किस कैटेगरी में कितना आता है, इस चीज को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आते हैं प्रोटेक्टेड, उसके बाद उससे कम है रिजर्व, और लास्ट में है अनक्लास्ड। और ये सेम पैटर्न है राजस्थान के लिए भी। जैसे राजस्थान में प्रोटेक्टेड है वो 18,000, ये जो 32,000 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग, उसमें 18,000 तो अकेले ये प्रोटेक्टेड है। रिजर्व है 12,000 के समथिंग, और अनक्लास है 2,000। डाटा किसी का याद नहीं रखना, आपको कितना याद रखना है वो है कि सबसे ज्यादा है वो प्रोटेक्टेड है, उससे कम है रिजर्व, और उससे कम है अनक्लास। बस इतना पैटर्न समझो और उससे अपने काम हो जाता है। अब ये तो अपने बेसिक समझ लिया, लेकिन कई बार अक्सर जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के आ जाते हैं कि इंडिया के ऐसे स्टेट जिनमें सबसे हाईएस्ट पर फॉरेस्ट एरिया है, या सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में पूछ लिया। तो देखो अगर कभी एरिया की पूछ लिया जाए तो उसमें नो डाउट एमपी जो है वो कभी ऐसा था कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था, भले छत्तीसगढ़ निकल गया लेकिन अभी भी वो सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट पड़ गया तो सेकंड पोजीशन वाले जो फॉरेस्ट में आएगा वो अपना एमपी ही आ जाएगा। और इसके बाद सेकंड है एमपी से लगा हुआ है, वो है महाराष्ट्र। आपको बेसिकली करना क्या है कि फर्स्ट टू को याद रख लो, काम अपना हो जाता है।
अगर कर सको तो तीसरा उड़ीसा याद रख लो, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप एमपी और महाराष्ट्र का तो कम से कम याद रखें ही रखें। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आपकी स्टेट पीएससी है तो इसे याद रखो, अगर आपकी स्टेट पीएससी में ये नहीं है तो इसे छोड़ दो। तेलंगाना वाले अपने स्टेट का पोजीशन भी देखेंगे और उसका कितना हेक्टर एरिया है वो देखेंगे, लेकिन रिमेनिंग अदर स्टेटों के याद नहीं रखेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी वाले जो हैं वो ये दोनों याद रखेंगे और कोई याद नहीं रखेंगे। वो अगर परसेंटेज वाइज में बोला जाती है, ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ज्यादा होगा जो हिली टाइप के हैं। जैसे कि पहला अपना आ जाता है अंडमान निकोबार, जहाँ पॉपुलेशन भी कम है और हिली भी ज्यादा है, तो फर्स्ट पोजीशन आती है अंडमान निकोबार। अब लोग क्या होते हैं कि अंडमान निकोबार को तो याद करके लेके जाते हैं, लेकिन जो पेपर सेटर होता है वो उससे भी दिमागदार और मजा करने वाला होता है, तो वो सबसे बड़ा क्या करते हैं कि अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं डाल के दूसरा ऑप्शन या तो सिक्किम डाला होता है, तीसरा मणिपुर डाला होता है। आप भाई जब अंडमान निकोबार नहीं मिला तो फिर सिर पकड़ के बैठ जाते, तो फिर करें तो करें क्या, तो फिर भाई उसका सेकंड ऑप्शन अपने पास सिक्किम है। तो जैसे यहाँ एमपी और महाराष्ट्र याद रखना है, तो वैसे ही आपको यहाँ अंडमान निकोबार और सिक्किम याद रखना है। फिर परसेंटेज में आप केवल अपने स्टेट का याद रखेंगे जिसका आपको एग्जाम है। अब फॉरेस्ट एरिया की बात आपको समझ में आ गई है कि भाई वो एरिया जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है कितना किस स्टेट में है, ये बात कर चुके हैं। पांच स्टॉप के जो परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज कर चुके हैं। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया याद देख चुके हैं और राजस्थान में कितना फॉरेस्ट एरिया वो देख चुके हैं। तो अब इस पर कर लेते हैं थोड़ी एक्सरसाइज। तो जैसे महाराष्ट्र के दोनों क्वेश्चन हैं, इन्होंने पूछा है इन विच रीजन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया आर फाउंड, इंडिया के कौन सा रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो जब आप आगे फॉरेस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंडिया का मैप भी देखो तो इंडिया के मैप में एक बहुत बड़ा एरिया तो ये पेनिनसुलर पार्ट है, और दूसरा ये जो मेजोरिटी अपना फॉरेस्ट है वो तो हिली रीजन में है, क्योंकि एक्चुअली प्लान में तो बहुत सारी जगह लोगों ने साफ कर दिया, लेकिन हिली का रीजन आज भी है। जैसे उत्तराखंड, वहां पर 60% से अबव है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनमें एवरेज 70-80% फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि वो हिली है। तो अगर आपको यहाँ ऑप्शन देखना होगा तो आप कौन सा लगाओगे, पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड हिल्स। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको स्टेट है उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ऐसा स्टेट जिसमें हाईएस्ट हो और उसे घटते क्रम में लगाना है। अब आपको यहाँ पर अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आपको सीधा दो चीजें तो आती है कि अरुणाचल और मेघालय है हिल रीजन में, तो टॉप पे या तो बी आएगा या सी आएगा। तो यहाँ पर या तो बी और सी ये है या बी और सी ये है, तो ये तो ऑप्शन गए। इसके बाद उत्तराखंड भी है, लेकिन ये इनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 60-70 के आसपास कुछ है, और आसाम में यहाँ पर आता है केरल। केरल में थोड़ा कम है क्योंकि देखो ये हिली रीजन है, केरल उतना हिली नहीं है। तो लास्ट में देखो केरल होना चाहिए। तो ये अपना लगभग आंसर है, प्रोबेबल है, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम बट प्रोबेबल आंसर इसका ई ही होगा, ई ही जाएगा। अब अपन वापस चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो हम यहाँ पर हम फॉरेस्ट एरिया देख चुके थे, अब देखेंगे फॉरेस्ट कवर। अब पहले तो समझना होगा कि फॉरेस्ट कवर होती क्या है। कोई एरिया है जहां पर फॉरेस्ट के जो ट्रीज होंगे, जब वो ट्री उगेंगे तो वहां पर वो एक क्राउन का कवर का एक पैचेज बना देंगे। तो जो एरिया है जितने पे ये कवर ने एरिया को कवर कर रखा होगा, ट्री ने वो एरिया को कवर कर रखा होगा, उसे हम बोलते हैं ट्री कवर। लेकिन क्योंकि ये जो ट्री कवर है इसे हम जो ट्री कवर है उसे हम एक एक करके तो मेजर करने नहीं जाएंगे। और एक्चुअली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को यूज करता है। तो सैटेलाइट का क्या होता है, डिजिटल है तो पिक्सल बनेंगे। तो पिक्सल बनने के लिए ये कंपलसरी है या नेसेसरी है कि कम से कम जो एक पिक्सल है कि जो एरिया है वो क्या कितना हो, वो 1 हेक्टेयर
हेक्टेयर का एरिया हो कम से कम, और उसमें जो कैनोपी डेंसिटी है वो कम से कम 10% हो, मीन्स 10% से अबव होना चाहिए। तो 10% कैनोपी डेंसिटी और 1 हेक्टर एरिया, अगर इतना है तो उसकी जो शेडो है वो 1 पिक्सल वहां पर शो कर देता है। तो पिक्सल में शो कर दिया तो ये फॉरेस्ट कवर आसानी से काउंट कर सकता है। तो ये है जो डेफिनेशन है, ये है हमारी फॉरेस्ट कवर की, किसकी? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। ये डेफिनेशन अभी है, हो सकता है अगले 5-10 साल बाद जैसे हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में और इम्प्रूवमेंट हो, ये डेफिनेशन चेंज हो जाए। और ग्लोबल लेवल पे जो एफएओ की डेफिनेशन है वो ये नहीं है, उसने ये परसेंटेज है उसमें घटा रखा है, एफएओ का जो एरिया है उसमें चेंजेस है, लेकिन ये हमें देखना नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव ही नहीं उससे। हमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जो अपने देश का है उससे ही काम हो जाता है, 10% और एरिया। फॉरेस्ट कवर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि ये जो कवर है ये चाहे आपके किसी के खेत पे है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे है या फॉरेस्ट एरिया के अंदर है। तो ओनरशिप, लीगल स्टेटस क्या है, स्पीसीज कंपोजिशन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा फर्क पड़ता है कि हमारा 1 पिक्सल बनना चाहिए, और वो कब बनेगा? 10% से ज्यादा की डेंसिटी और 1 हेक्टर का एरिया, अगर ये है तो 1 पिक्सल बन गया, मतलब वो फॉरेस्ट कवर में काउंट हो गया। ये रही हमारी फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन। अब फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है, वो है हमारा 71.2 मिलियन हेक्टेयर। इस डाटा को आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि 21.6% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है, दोनों ही दर पूछे गए हैं। जैसे हमने फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड किया था किसमें, रिजर्व, प्रोटेक्टेड में और अनक्लास में, वैसे ये जो फॉरेस्ट कवर है इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। या आप इसे बोल सकते हो कि हम 5 कैटेगरी में कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हमेशा यही पिक्चर यूज करती है, और उसमें 5 कैटेगरी है, एक उसमें नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी भी है। लेकिन यहाँ जो हम फॉरेस्ट कवर को क्लासिफाई करते हैं वो हम बेसिकली 4 में पढ़ेंगे। एक वो है जहां पर जो डेंसिटी है वो 10% से नीचे है, तो उसे हम एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर में काउंट ना करके स्क्रब लैंड में काउंट कर लेते हैं कि यहाँ स्क्रब्स हैं, कुछ पेड़ पौधे उग रखे हैं बस, लेकिन वो फॉरेस्ट कवर में नहीं आता है। दूसरा जो है वो है जिसे बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, इसकी डेंसिटी होती है 10 से 40%। 10 से 40% कैनोपी डेंसिटी है तो उसे ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे, 40 से 70% है तो हम उसे बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और अगर 70 से अबव है तो हम इसे बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो देखो, डेंस फॉरेस्ट ये भी है, डेंस फॉरेस्ट ये भी है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि डेंस फॉरेस्ट हम कब मानेंगे, तो अगर कहीं भी कैनोपी डेंसिटी 40% से ज्यादा है तो वो डेंसिटी के डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि 40 से 70 तक हम उसे मॉडरेटली डेंस बोलते हैं, और 70 से ऊपर चला गया तो वेरी डेंस बोलते हैं, और 40 से नीचे को हम ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, और बिलो 10% को हम स्क्रब लैंड में डाल देते हैं। तो यहां तक आपको फॉरेस्ट कवर का एक बेसिक आइडिया आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो कैटेगरी जो हमने बनाई थी, कौन सा एरिया कितना किसके अंडर आता है। तो देखो, हमारा जो टोटल है मॉडरेटली डेंस है वो सबसे ज्यादा है 9.4, उसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट, और सबसे कम आता है वेरी डेंस। तो वैसे भी सोचो, जो अच्छी चीज है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो नेचुरल फॉरेस्ट टाइप का है, वर्जिन लैंड है फॉरेस्ट का, वो तो बहुत ही कम बचा होगा। ये शुक्र मनाओ कि मॉडरेटली फॉरेस्ट अभी है, और उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम में ये ओपन फॉरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों चल रहा है कि जो पिछले 8-10 साल की जो रिपोर्ट आ रही है, पिछले 6-7 रिपोर्ट जो आ रही है, उनमें कंटिन्यूअसली ये तो बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है या फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट शिफ्ट हो रहा है मॉडरेट की तरफ, और मॉडरेट शिफ्ट हो रहा है ओपन फॉरेस्ट की तरफ। तो ये जो डिजिटल जो
इनके साथ जो डाटा के साथ जो खेलो खेला खेल खेल जाते हैं, ये लोग खिलवाड़ कर देते हैं, वो लोगों की आम लोगों की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो एवरेज डाटा बता देते हैं कि ये फॉरेस्ट जो कवर है हमारा वो बढ़ रहा है। तो टोटल कितना है, 21.67। अब यहाँ पर मुद्दा अपना क्या है, हमें वही सिंपल सा चीज याद है, कौन कितना है ये याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन है, वो है मॉडरेट, उसके बाद आता है ओपन, और उसके बाद आता है वेरी डेंस। और ये देखो स्क्रब लैंड है, वो उसके नीचे डाल दिया बिलो 10%, इसे हमने फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं किया, ये होती है लगभग 1.4%, इसे याद रख लेना। और इंडिया का बकाया का नॉन फॉरेस्ट लगभग 77% नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी। अब यहाँ पर जो इन्हें याद रखना होता है ये मुझे याद नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने एक जो बाम लगाते हैं मोब उसे याद रख लिया मैंने। सीधी सी है कि एम फॉर मॉडरेटली, ओ फॉर ओपन और वी फॉर वेरी। तो ये एक टाइप से सीधा सा शॉर्ट सा बन जाता है, इसे पिक्चर याद रखिए, मुझे याद हो जाता है कि सबसे ज्यादा मॉडरेटली है, फिर ओपन है और फिर वेरी है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो ये क्रम सा हो गया, बस इस क्रम से अपना काम हो जाता है। इसके साथ साथ आप अपना क्या बचा, परसेंटेज और एरिया वाइज कौन फॉरेस्ट कवर। तो जब एमपी में सबसे ज्यादा एरिया है तो फॉरेस्ट कवर का भी एरिया यहीं पे ज्यादा होगा। दूसरा अगर एरिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दूसरा नंबर पे आता है अरुणाचल, तो आपको ये याद रखने हैं दोनों। और परसेंटेज वाइज देखो, परसेंटेज वाइज में पहले नंबर पे क्या था, अंडमान निकोबार, और दूसरे नंबर पे था सिक्किम, किसमें, फॉरेस्ट एरिया में। लेकिन जब फॉरेस्ट कवर की बात आती है तो वहां आ जाता है फर्स्ट पे लक्षद्वीप, और सेकंड पे आता है मिजोरम। यहाँ मिजोरम में कंफ्यूजन नहीं होने का, वहां पर सिक्किम था, इसके बाद मणिपुर था, यहाँ पर कवर में परसेंटेज वाले में मिजोरम आता है सेकंड पे, और ये कई बार पूछा जा चुका है, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार, इनको याद ही रखना है। अब यहाँ पर मुद्दा अपना तो राजस्थान का है, तो राजस्थान का है तो आपको राजस्थान में दोनों ही चीजें देखनी है, कि राजस्थान एरिया वाइज कितना है और परसेंटेज वाइज कितना है। तो राजस्थान की ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है वो 4.8% ही है, लेकिन अगर एरिया वाइज देख ले तो ये 16,600 है किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये है यूनिट इसकी स्क्वायर किलोमीटर, तो ये 16,600 स्क्वायर किलोमीटर है और परसेंटेज में है 4.8%। अब यहाँ पर जैसे बोला कि वो ओपन फॉरेस्ट मूव मूव का जो बोला था मॉडरेटली, तो वो पैटर्न सही यहाँ पर भी चलेगा मूव का। अब यहाँ पर राजस्थान का है तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं तो एक थोड़ी डिस्क्रिप्शन में और देख लेना होता है। तो पहला तो ये कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है अपना जैसलमेर। लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात की जाए, खासकर फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो फॉरेस्ट एरिया में सबसे बड़ा, ये तो जियोग्राफिकल एरिया में तो जैसलमेर है, और ये सॉरी फॉरेस्ट कवर की बात चल रही है पूरा, तो फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक आता है उदयपुर ये, और दूसरा आता है अपना अलवर। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को बोला जाए राजस्थान का जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वो है उदयपुर, और सबसे बड़ा एरिया कौन सा है वो है जैसलमेर। अब मैं इन्हें कैसे याद रख लेता हूँ, एक मूवी आई थी आज के टाइम पे, तो उस मूवी में क्या था, तानाजी में उदयभान सिंह राठौड़, तो उदयभान सिंह राठौड़ है ठीक है भाई, उदयपुर से हो गया भाई, सबसे ज्यादा जंगली था वैसे भी ये, तो वहां पर भी उदयपुर में सबसे ज्यादा जंगल है। दूसरी बात रही बात जैसलमेर की, तो भाई डेजर्ट वैसे ही है, डेजर्ट पे तो भाई लंबा चौड़ा वैसे भी डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर हो गया, और इधर कौन है, उदयभान सिंह राठौड़। अब इस पर कुछ क्वेश्चन निपटा लेते हैं, किस पर, फॉरेस्ट कवर। उड़ीसा में क्वेश्चन आया था कि परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन उड़ीसा स्टेट, क्योंकि उड़ीसा का था तो उड़ीसा ने क्यों पूछा, हमें राजस्थान का है तो हमें यहाँ इसे काट करके अपन क्या कर देंगे अपना राजस्थान, अगर आपका तेलंगाना या छत्तीसगढ़ है तो आप वहां पर अपने स्टेट को यहाँ मेंशन कर लें, तो
पर्पज यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन की एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब भाई ज्योग्राफिकल परसेंटेज, अब ज्योग्राफिकल है तो राजस्थान वालों के पास तो 4.8% का फॉरेस्ट कवर है, 4.8%। और जो ट्री कवर है, ट्री कवर है वो है कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज में होगा, तो ये जनरली अपने 5% के आसपास आ जाएगा, 5 की समथिंग, 5.1 5.2 के आसपास। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअल फॉरेस्ट कवर पर एज ए परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा। मीन्स जैसे रेंज पूछी थी यहाँ पर, केवल इन्हें फॉरेस्ट कवर पूछी थी, तो अपने राजस्थान के लिए क्या आ गया, 4.8%। ये यहाँ पर 4.8% था और ये 16,600 अपना एरिया था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 वाज रिकमेंडेड, मीन्स क्या है, इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज कम्पेयर टू IFS। ये कह रहे हैं कि 2011 की कंपेयर में 2013 में जो फॉरेस्ट कवर है उसका क्या हुआ है भाई, बढ़ी है घटी है, गैप बढ़ा है या कोई चेंज नहीं हुआ है। सीधी सी बात है कि हमारा इनके हिसाब से फॉरेस्ट कवर हमेशा बढ़ती है, तो सीधा लगा दो इंक्रीज होती है, मेजोरिटी में इंक्रीज ही होती है। बस ये है, हमें ये याद रखना है 2013 है, यहाँ पर 2019 मान के चल लो, तो हमारा भी अभी इंक्रीज हुआ है। अब वापस आते हैं अपनी मेन टेबल पे, जहाँ आपने फॉरेस्ट एरिया बात कर ली, फॉरेस्ट कवर बात कर ली, अब अपन थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है अपना ट्री कवर। तो पहले देखते हैं कि ट्री कवर में होता क्या है। देखो ये एरिया जो टेबल है, ये वो एरिया है जिसे हमने फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया है। अब जो पेड़ों का जो झुंड है वो फॉरेस्ट एरिया में भी हो सकता है और फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी हो सकता है। जैसे कोई टाटा टाटा की फैक्ट्री है, उसने फैक्ट्री के आसपास इंडस्ट्रियल प्लांटेशन कर रखी है बड़े चौड़े एरिया में, तो वो भी फॉरेस्ट कवर के अंडर काउंट हो गई। तो फॉरेस्ट कवर की अपनी डेफिनेशन, उसे लीगल स्टेटस कोई मतलब नहीं है उसको, तो 1 हेक्टेयर से एरिया ज्यादा हो और 10% से ज्यादा डेंसिटी हो, फॉरेस्ट कवर में आ जाता है। तो फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर की बात आपको समझ में आ गई। अब मुद्दा आता है, एक टर्म होता है ट्री कवर। अब ट्री कवर का क्या इशू है, जो एरिया जो ट्री जो फॉरेस्ट कवर के अंडर काउंट नहीं हुए है, जो 10% से नीचे स्क्रब में छूट गए हैं, जो एक एक दो दो पेड़ इधर उधर स्कैटर्ड छूट गए, जैसे कि रोड के किनारे की जो प्लांटेशन है वो छूट गई है, तो उसे किस में कवर कर लेते हैं हम, ट्री कवर में, जो अभी है 9.5 मिलियन हेक्टेयर, इसे किस में किया, ट्री कवर में। दूसरा जो एक टर्म और होता है TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो ये ट्री कवर अलग ही है, लेकिन वो ट्री जो फॉरेस्ट के बाहर है, जो फॉरेस्ट कवर में काउंट कर लिए गए हैं, उन्हें भी मिलाकर के बोलते हैं TOF। तो अगर टोटल ट्री कवर बोल दिया जाए इंडिया में, तो अपना है वो है 9.5 मिलियन हेक्टेयर, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का शॉर्ट में बोले तो 2.9 बना देते हैं, तो 2.9 ये है और 21 पॉइंट फॉरेस्ट एरिया है, तो ये अपना लगभग बन जाता है 24% के आसपास, 24 से समथिंग थोड़ा ऊपर है। ट्री कवर की बात की जाए तो जो पेड़ है वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगभग हर फार्मर ने वहां लगा रखे हैं। इनके साथ क्या है, वेस्ट में महाराष्ट्र वालों में ही क्यों ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है कि इधर तो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट मिल जाता है, और इधर पूरा जो चंद्रपुर वाला जो रेंज है वो पूरा रेंज है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा है। और फिर इधर है सतपुड़ा का पूरा माउंटेन रेंज है, विंध्या और सतपुड़ा, तो ये वजह है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्री कवर है जहाँ, क्योंकि ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से फॉरेस्ट थोड़ा कम हुए है, बट ट्री कवर काफी अच्छी खासी है। तो ट्री कवर के बाद अब अपना अगला पिलर आता है, वो आता है फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। अब फॉरेस्ट टाइप के जैसे पहले बताया गया कि कितने फॉरेस्ट हैं, कोई 10 बोला, कोई 15 बोला, कोई 25 बोला है, तो यहाँ दो लंगोटिया यार आते हैं, कौन, चैंपियन और सीथ। ये बताते हैं कि भाई फॉरेस्ट इंडिया में जो है वो 16 टाइप के हैं, और हम उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेजर ग्रुप ने 5 बोल दिए और उनको 16 टाइप में डिवाइड कर दिया। कब किया, 1968 में।
अब इन्हें कौन सी कैटेगरी में किया ये तो अपना बाद का काम है, जब फॉरेस्ट टाइप पढ़ेंगे तब इनकी स्टडी कर लेंगे कि इनमें क्या करना है। हमें यहाँ पर केवल एक ही बात याद रखना है कि कौन सा फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम एरिया देख लो, परसेंटेज में देख ले, तो यहाँ पर देखोगे सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है अपना ट्रॉपिकल, क्योंकि इंडिया मेजोरिटी ट्रॉपिकल में है, और ड्राई डेसर्ट्स क्योंकि अपने इंडिया के मेजोरिटी जो एरिया है वो ड्राई रीजन में। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे देख लिया जाए तो ये पूरा सेंट्रल इंडियन पेनिनसुला है, ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन में है, और ट्रॉपिकल में तो बहुत सारा है। तो ये सबसे जो ग्रुप है, जो ग्रुप 5 है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके बाद सेकेंड ग्रुप आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये इसकी पोजीशन जो है वो सेकेंड पोजीशन है, फर्स्ट तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है। बस आपको इतना ही याद रखना था कि ये जो फॉरेस्ट है उनमें सबसे ज्यादा यही है। हालांकि आजकल हम जैसे प्लांटेशन है वो भी एक अच्छी खासी प्लांटेशन है, और इंडिया में प्लांटेशन की पोजीशन लगभग थर्ड कंडीशन में पहुंच गई है, प्लांटेशन या TOF, क्योंकि प्लांटेशन भी TOF में काउंट कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर जो अपना जैसे याद रखना हो तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एक तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में है, और इसलिए भी क्योंकि इस टाइप के फॉरेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, तो सीधे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट उसमें आ जाता है। अब इस पे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। वह अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेथ इंडियन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इंटू फॉरेस्ट टाइप। तो भाई ये जो ताऊ लगा गया है इनने 221 लगा दिए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको किरण लगा देना था यहाँ पर 16 टाइप के, क्योंकि 16 टाइप के इन्हें फॉरेस्ट बोला है। ये होगा तो ये उसके क्या है, ये सब टाइप्स हैं एक्चुअली में, टाइप नहीं है, तो 5 है वो ग्रुप है ना कि फॉरेस्ट टाइप। ठीक है, ओके। अब अपन वापस चल लेते हैं अपनी मेन लिस्ट पर। यहाँ पर एक मुद्दा और आता है, वो आता है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, एक सिस्टम बन रखा है, क्योंकि आपको पता है कि 1992 में जब अर्थ सबमिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो उसमें एक इशू और आया था, फिर आपने पढ़ा होगा कि रेड प्लस का कॉन्सेप्ट, कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये बन रही है, इसमें फॉरेस्ट डिजेनरेशन का बहुत है, डिसइंटीग्रेशन का बहुत इशू है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कॉजेज है वो है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, मुद्दा यह कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कैसे लिया जाए, क्योंकि कहीं आग लग गई है तो जो गार्ड है बोला रहे भाई जल जाने तो क्या फर्क पड़ता है, कल जाएंगे सुबह आराम से। तो इस टाइप की जो उसमें जो आलसपन आ जाता है, इसकी वजह से होता है कि ये फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंस बहुत ज्यादा होती है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया 2018 में, ये काम 2018 का नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है, लगभग 2005-6 से ही काम चल रहा है, लेकिन 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक पूरा का पूरा नेशनल एक्शन प्लान इस पे इशू किया। किस पे, फॉरेस्ट फायर पे, कब किया 2018 में। तो इन्होंने बोला कि हमें इस टाइप से एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम बनाना है जिससे फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंस को रोका जा सके। इससे पहले जो किया जा रहा था, जो मैंने बोला 2004-5 से किया जा रहा था, ये स्टेट गवर्नमेंटों के द्वारा किया जा रहा था, इससे पहले नेशनल लेवल पे इसका कोई इस टाइप का कोई एक्शन प्लान या फ्रेमवर्क ऐसा बना नहीं था। तो ये 18 के एक्शन प्लान ने पूरा एक सिस्टम दिया, उसको एक टाइप से फंडिंग के लिए एक सिस्टम खड़ा कर दिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसका जो नोडल एजेंसी थी, उसने क्या, क्योंकि सैटेलाइट का कंट्रोल था तो उसने एक इसी टाइप से फॉरेस्ट फायर अलार्म सिस्टम बनाया था, फिर 2 आया, और अभी हाल फिलहाल पिछले साल इसका जो फास्ट 3 है वो आया है, फॉरेस्ट फायर अलार्म सिस्टम 3 थर्ड वर्जन आया है। ये थर्ड वर्जन आखिर करता क्या है, क्या करता है कि नासा की कुछ सैटेलाइट है और जो US सैटेलाइट है वो अर्थ की चारों तरफ घूमती रहती है, और हर 5-6 घंटे के बाद एक इस स्पॉट पर 5-6 घंटे के बाद वो वापस पहुंच जाती है राउंड लगा के। तो उनकी जो डाटा है वो नासा पकड़ता है, और नासा से जो डाटा है वो हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो ले लेता है। ये कहाँ है, हैदराबाद में। ये जो हैदराबाद वाला सेंटर है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो इंस्टीट्यूट है कहाँ,
देहरादून में, और ये जो अपना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये है, तो ये एनआरसी है, ये जो डाटा है उसे दे देता है किसको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को। ये टोटल डिजिटल चल रहा है और तुरंत चल रहा है, जैसे ही उसे डाटा इसने लिया, ये कुछ टाइम में कुछ ही मिनटों में दे देता है इसे, और ये कुछ ही मिनटों में पहुंचा देता है एफआरआई के पास। एफआरआई क्या करता है, ये जो डाटा आ रहा है, ये तो एक रफ डाटा आ रहा है, इसमें तो पूरे इंडिया की पिक्चर आ रही है, तो ये क्या करता है, उसमें अपना जो डिजिटल पिक्चर है फॉरेस्ट एरिया की, तो ये बकाया का डाटा हटा देता है और केवल वो एरिया के डाटा को चेक करता है जो फॉरेस्ट एरिया है, और ये चेक करता है कि क्या 6 घंटे पहले की और अब की पिक्चर में कोई फर्क आया है। जैसे उनके पिक्सल में कोई फर्क आया पुराने और 6 में, तो जिस जिस एरिया में, मतलब जिस बीट में, जिस पिक्सल वाले एरिया में चेंज आया, उसको ये एनालाइज करता है और ये बता देता है कि हाँ यहाँ फायर लग गई, और जैसे ही फायर का उसे कंफर्म हो गया, उसके पास क्या होता है, ऊपर DFO है, उसके नीचे CF है, ACF है, उसके नीचे RFO है, उसके नीचे डेपुटी रेंजर है, और उसके नीचे फॉरेस्ट गार्ड, सबको एक साथ मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज कर देता है, इतना कर देता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड या डेपुटी रेंजर है, इसे रात में ही भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब केवल जानकारी ऐसी नहीं कि इसी के पास और वो दबी रह जाए, अब यहाँ पर DFO तक को जो इन्फॉर्मेशन है, DFO और उसके नीचे जो CF है, उस तक को ये मालूम है कि किस एरिया में आग की इंसिडेंस हुआ है। तो इस टाइप से फिर पूरा पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इस टाइप से हम फॉरेस्ट फायर पे जो ट्रांसपेरेंसी है उसको रोकने के लिए उसको बढ़ा दिया, तो अब फॉरेस्ट फायर पे एक्शन ज्यादा होने लगा, इस टाइप से हम फॉरेस्ट फायर को रोक सके। तो यहाँ आपको जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर है उसे याद रखना, और ये FAST 3.0 को याद रख लेना। इसके साथ एक टॉपिक और है अपना, वो है ग्रोविंग स्टॉक। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्रोविंग स्टॉक आखिर होता क्या है। कोई भी एक यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया में जो भी वॉल्यूम खड़ा है, जो भी ग्रो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रोविंग स्टॉक। अब हमारे लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हमारे फॉरेस्ट का टोटल जो ग्रोविंग स्टॉक है वो है 4,250 मिलियन मीटर क्यूब, जबकि ट्री जो आउटसाइड है फॉरेस्ट उनका है 1,650 मीटर क्यूब। तो अगर टोटल कर दिया जाए तो टोटल इंडिया का जो ग्रोविंग स्टॉक है, इसे याद रखना है, वो है 5,900 मिलियन मीटर क्यूब। ये इंडिया का टोटल ग्रोविंग स्टॉक है, लेकिन अगर हम पर हेक्टर पर बेसिस पे देखें कि इंडिया में, ये तो भाई टोटल है, लेकिन अगर पर हेक्टर के बेसिस पे देखें तो कितना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल ग्रोविंग स्टॉक कितना है, 5,900 MMQ डिवाइडेड बाय हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना है, उसका जो भी अपना 74-76 है, उससे यहाँ पर ये भी क्या है, मिलियन हेक्टर, तो इससे जब इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिलियन से मिलियन कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, तो वो डाटा आता अपना 59 मीटर क्यूब पर हेक्टर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इंडियन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपेयर टू अदर फॉरेस्ट कम है, इंडियन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो 59 मिलियन मीटर, वो 59 मीटर क्यूब या 60 मीटर क्यूब पर हेक्टर ही है कंपेयर टू अदर नेशन के, कंट्री के, जिनकी 60 या 80 तक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट जो कंटिन्यू बायोटिक प्रेशर को फेस कर रहे हैं। इसके साथ एक पॉइंट और आ जाता है, वो है जब हमने ट्री की बात की है, तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो ये भी बताता है कि आखिर जंगल में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा है। तो जंगल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो अपना पेड़ है वो है साल का, और दूसरे नंबर पे आता है ट्री का। लेकिन अगर TOF की बात की जाए, जो आम रूरल एरिया की बात की जाए, तो वहां सबसे ज्यादा है मैंगो, इंडियन मैंगो, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नीम। यहाँ पर केवल साल पूछा जा चुका है अभी तक, और नीम, ये मैंगो पूछा जा चुका है। मैंगो ICAR में 2-3 बार आ चुका है कि जो मीन्स जो नॉर्मल जो है प्लांटेशन एरिया है, जो रूरल एरिया है, सोशल फॉरेस्ट, ये जो फलाने का जो भी है आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट, जो सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट या जो ट्री का जो परसेंटेज बनता है वो मैंगिफेरा इंडिका यानी कि मैंगो का बनता है।
अब ग्रोविंग स्टॉक के बाद अपना एक लास्ट पॉइंट बच जाता है, वो है कार्बन स्टॉक। अब कार्बन स्टॉक का बवाल क्यों है वो आपको पता है, क्योंकि हम INDC में बोल दिया कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन का हम कार्बन स्टोर करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये कार्बन स्टॉक होता क्या। कार्बन मतलब देखो कोई भी वुड है वो सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज जो है वो कार्बन होता है, कार्बन के ही फॉर्म है, एक पोलर है। तो अब ये क्या क्या है, जैसे कि जमीन है, जमीन के ऊपर है, तो जो ऊपर का है उसे बोलते हैं एबव ग्राउंड बायोमास। एबव ग्राउंड बायोमास में उसे काउंट किया जाता है जो पेड़ खड़े हैं, जैसे कि ये ट्री है, इन्हें एबव ग्राउंड बायोमास। और जो जमीन के अंदर है उन्हें बोलेंगे बिलो ग्राउंड बायोमास, जिसमें रूट रूट आ जाएंगे। और जो ग्राउंड पे पड़े हैं जैसे कि लिटर है, तो ये क्या है, ग्राउंड बायोमास। तो एबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड और ग्राउंड पे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा कार्बन है जो सॉइल के साथ मिक्स अप है, जैसे कि जो लीफ लेटर और डेड वुड है, ये बाद में जब डिकम्पोज हो जाएगी तो वो यहाँ पर जो सॉइल है सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल कार्बन। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो भी इस पर डाटा देती है, और वहां पर पूरा पूरा एक सिस्टम है वो आपको बताता है कि इंडिया में जो हमारा कार्बन है वो कितना है, 7.1 बिलियन टन। अब ये बिलियन टन में सबसे ज्यादा कौन सा है, वो है अपना एबोव ग्राउंड। आपको ये याद नहीं रखना है कि इसका क्या परसेंटेज है, बस इतना याद रखो कि सबसे ज्यादा ऊपर वाला है एबोव ग्राउंड, इसके बाद जो थर्ड है वो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है। ये सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है और ये है एबोव ग्राउंड बायो मास। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन स्टॉक है वो एबोव ग्राउंड में, सेकंड नंबर पे है सॉइल कार्बन पे। यही दो पॉइंट हमें याद रखना है, इन्हीं से काम चलेगा। और इंडिया में अगर टोटल बोला जाए तो वो है 7.1 बिलियन टन। स्टेट बेस पे सबसे ज्यादा अरुणाचल में है। इसके पीछे रीजन ये है कि अरुणाचल छोटा सा स्टेट है, और हिल्स के साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कार्बन होगा वो धीरे धीरे होकर के वैली में इकट्ठा होता रहता है और जमा होता रहता है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो कार्बन स्टॉक है, कार्बन जो है सॉइल कार्बन है, वो काफी अच्छा खासा है। और हमारे यहाँ जो एनुअल चेंज है वो तो हमारा जो अभी बढ़ रहा है वो 21 मिलियन, क्योंकि रेट से हर साल 21 मिलियन टन के हिसाब से कार्बन बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें चाहिए तो इतना है, 2.5 से 3 बिलियन टन। तो जो हमारा अभी प्रेजेंट रेट है इंक्रीज होने का, उसे हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा लगभग, तभी हम टारगेट पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ सॉइल कार्बन वाला इशू हो चुका है अपना। अब अपन थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहला यह है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉसिबल है महाराष्ट्र PSC का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री करता है, हाँ भाई बिल्कुल करता है, असेसमेंट करता है, मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिल्कुल करता है, प्रोवाइड सर्विस ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन ये भी देता है। अब ये होती क्या वो बता दूं मैं। देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो रिमोट सेंसिंग से तो केवल एक डाटा ले लिया, लेकिन केवल रिमोट सेंसिंग से काम नहीं होता है, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के फॉरेस्ट इन्वेंटरी करता है। क्या, फॉरेस्ट इन्वेंटरी। फॉरेस्ट इन्वेंटरी में वो जंगल में जाकर के डाटा कलेक्ट करेंगे, रूरल एरिया में जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये जो डाटा कलेक्शन है इसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे एक दो आदमी तो कर नहीं सकते, हजारों के रिसोर्सेज चाहिए पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए पड़ता है, और जो रिसोर्सेज है वो बिना ट्रेनिंग के नहीं आएगा। इसके साथ साथ हम अपने इस मेथड को, जो हमारे मेथडोलॉजी है डाटा कलेक्ट करने के, उन्हें कैसे इम्प्रूव करें, कैसे और मॉडर्नाइज करें और सिंप्लीफाई करें, तो उसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत होती है। और एक्सटेंशन वर्क का मतलब ये है कि ये अपने सिस्टम को दूसरों से भी लिंक करता है, खासकर फॉरेस्ट इन्वेंटरी को।
जिसका पर्पज होता था कि जब हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज पता हो तो हमारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी वगैरह है उनमें हेल्प होती है, जो रिसर्च है, जो एकेडमिक रिसर्च है उनमें हेल्प होती है। तो इस टाइप से वो एक्सटेंशन का भी काम कर देता है। तो यहाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तीनों ही काम करता है, एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइड एजुकेशन इन फॉरेस्ट्री। तो ये फॉरेस्ट एजुकेशन जो है वो एफ एस आई ना करके उसके लिए एक अलग से बॉडी है, ICFRE, वो करती है। तो इसका जो आंसर है वो है अपना ABC। यहाँ पर एजुकेशन इन फॉरेस्ट्री अगर ये लिख देता है एजुकेशन इन फॉरेस्ट इन्वेंट्री या एजुकेशन ऑन फॉरेस्ट सर्वेइंग तो चल जाता है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट्री का लिख रखा है इसलिए ये नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में है, इसकी तो कोई मुद्दा ही नहीं आता। एक तीसरा ग्लोबल लेवल पे आता है कंट्री विच हैज मैक्सिमम हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो आपको पता है कि इस रसिया जो है वो बहुत बड़ा है और उसका जो साइबेरिया रीजन है वहां पर जो कोनिफर्स फॉरेस्ट है जिन्हें अपन बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट एरिया में है वो इन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ है, रसिया में। लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया एरिया की बात की गई, अगर फॉरेस्ट एरिया को परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज ऐसी कंट्री में निकलेगी जो हिली टाइप का हो और छोटा हो, आइलैंड हो। अगर इसी में अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें, अपने यहाँ एशिया की बात की जाए तो एशिया में कुछ और कंट्रीज में भी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन जो अपना एग्जाम्पल आता है उसमें अपना जापान आता है। कौन, जापान। देखो ये चंगू मंगू छोटे मोटे कंट्री हो सकते हैं, उनमें जापान से है भी ज्यादा भी है, लेकिन क्या है कि जब एग्जामिनर जो ऑप्शन डालता है उसमें सीधा सीधा जो भी कंट्री डालेगा वो बड़े बड़े डाल देगा, जैसे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार। अब ऐसे केस में उसके में जो एक ऑप्शन होता है वो जापान होता है, और जनरली अपना ऑप्शन ये ही राइट होता है क्योंकि वो जो भी डालता है बड़ी कंट्री उनमें सबसे ज्यादा जापान में है, क्योंकि एक तो हिली है पूरा का पूरा, बहुत सारे आइलैंड है इनके, ठीक है। तो पहला हिली वाली कंडीशन है, दूसरा छोटा नेशन है, तो दोनों ही कंडीशन ऐसे फिट करती है, इसलिए क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना। तो यहाँ पर अपना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाला जो मुद्दा था वो खत्म हो जाता है। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट बचता है अगला देखेंगे वो है अपना फॉरेस्ट एजुकेशन और एक्ट एंड पॉलिसीज, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे।